ग्लैमर और उद्योगों की नगरी, यहां हमारे पूरे देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। इनमें से कुछ लोगों को कामयाबी मिलती है और कुछ बस गुमनामी के अंधेरों में खोकर रह जाते हैं। शायद इसीलिए इसे सपनों की नगरी भी कहा जाता है। इसी तरह राजा और विजय भी अपने सपनों को साकार करने मुंबई आए थे। आइए देखते हैं वो दोनों आज किस हाल में हैं। राजा देखना यार कौन है। अरे यार तू देखना, मैं सो रहा हूँ। अरे सो रहा है तो बात कैसे कर रहा है यार? नींद में बात कर रहा हूँ, तू देखना जा। कौन है यार? पूजा तुम? हाँ मैं। मुझे सब पता चल गया विजय, तुम कोई सीबीआई ऑफिसर नहीं, तुमने मुझसे झूठ कहा है, मुझे धोखा दिया है। पूजा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई यार। मुझे तो लगता है ये बंगला, गाड़ी, शान और शौकत सब तुमने चोरी के पैसे से कमाए हैं। चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? यार पूजा मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था मगर नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आई हेट यू विजय, और याद रखना आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। पूजा, पूजा लिसन टू मी, पूजा, 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 बताओ अभी आई थी, हमने कहा चाय पी लो, हमारी बात नहीं सुनी, खींची दो थप्पड़ मारे, सीधे निकल गई इसे। अरे मजाक मत करो यार, है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बार बार मुझे ये सपना क्यों आता है, और किसी दिन सच में असलियत उसे पता लग गई तो? हाँ तो क्या, उसके बाद फिर क्या, सिंपल है, अभी जो सपने में हो रहा है वो हकीकत में हो जाएगा और उसके बाद फिर आदत पड़ जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझ रहे हो? तुमको क्या जरूरत पड़ी थी उसको बताने की कि हम सीबीआई अफसर हैं? अरे मैंने तो बहुत आगे तक का सोच के बोला। आगे तक की सोची तुम्हारी, बहुत आगे। अरे भाई सुनो, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, 15 दिन से काम पे नहीं गए, कोई केस भी नहीं मिला है, और तुम पूजा में बहुत देर लगे, तो गेटअप गेटअप हरी अप। सपने में पूजा से थप्पड़ खाते हो फिर आंखें हम पे तरेरते हो। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ठुकराया मुझको तुम ना ठुकराना, ओ स्वामी तुम ना ठुकराना, हा स्वामी तुम ना ठुकराना। तुम बिन कोई ना मेरा, तुम बिन कोई ना मेरा, साथ सदा देना। ओम जय जगदीश हरे। देख रहे हो राजा, जय श्री कृष्ण। आज भी चुपचाप मेरी आरती सुन ली। जो मांगता हूं वो देते नहीं है, उल्टा तुम्हारी तरह चोर बना दिया है। कोई बात नहीं, जय हो। सुना आपने क्या कहा? इसको बच्चा समझ के माफ कर दो, इस पर रहम करो भगवान। और हम जिस पुण्य काम के लिए जा रहे हैं उस मिशन में हमारी पूरी पूरी मदद करो, हम सबकी सुरक्षा करो। जय श्री कृष्ण, आपके चरणों की कृपा बनी रहे बाबा। यार कहां ले आए, यहां कौन सा केस मिलेगा? ऑफिस ऑफिस गार्डन में छाता लेके जाऊं या ऐसे ही? ओके। नमस्कार बाबूजी। कब तक ये सब करवाओगे? हेलो अंकल। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म देख रहे हैं ना? नहीं भाई, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप वो काम कर रहे हैं जो सबके सामने करने में शर्म लगती है ना? क्या मतलब? आप गंदी फिल्में देख रहे हैं ना? अरे नहीं भाई, नहीं, हम भी देखेंगे। मैं काम कर रहा हूँ, देखो तुम भी देखो। काम का कुछ भी बकवास करते हो, देखो अपनी आंखें फाड़ के देखो। नहीं ये क्या गंदी फिल्म है, एनसाइक्लोपीडिया है। ये मेरा काम है, रिसर्च चल रही है। हेलो अंकल। हेलो। हेलो। बड़े आदमी बेटा लगता है। अरे क्या हुआ? अरे अंकल एक फोन करना है, अर्जेंट है, जरूरी, घर पे। घर पे एक मिनट। जी 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 जी। अरे मेरा मोबाइल। मोबाइल? अरे यही रखा था। कहाँ रखा था? अरे अभी रखा था। कहाँ गया? ये तो नहीं ले गया। एक मिनट बेटे, एक मिनट, हमें लगता है ये। मैं अभी आया, अभी आया। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। रुको रुको, अरे पकड़ो। पूरे पूरे खून पसीने की कमाई है बॉस। एकदम न्यू ब्रांड पीस है भाई। हाँ भाई है तो नया जी, लेकिन भाई घड़ी गाड़ी और मोबाइल किसी आदमी के हाथ लग गया तो सेकंड हैंड हो जाता है, इसलिए 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 30,000? हाँ। अरे लेकिन ये नए मॉडल है सर। न्यू मॉडल है तो मैं क्या करूँ, जल्दी बोलो नहीं तो 25 हो जाएंगे। 30,000 दे दो। 30,000 ठीक है। कौन से अपने बाप का माल है? भूती लंगोटी वाली। ये लो। गिल्ली? बिल्कुल एकदम गिने हुए। पूरे हैं? बिल्कुल पूरे हैं। नकली तो नहीं है? चलिए थैंक यू सर। पिछली बार 4 नोट थमा दिए थे नकली। देख भाई तेरा हो गया 40% और मेरा हो गया 60%। राजा अब ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहा है? मेहनत करूं मैं, प्लानिंग करूं मैं, और हर बार 60% तू ले जाएगा। तो जाके तेरी सच्चाई पूजा को बता देता हूँ। फिर ब्लैकमेल मत करे। ब्लैकमेल नहीं, 10% बैंक में जमा करना पड़ता है। क्यों? अरे कहीं तू अंदर चला गया तो छुड़ाने के तो काम आएंगे ना। अबे अंदर भी मैं ही जाऊंगा क्या? अगर मैं चला गया तो ले छोड़ ना, पकड़ ना पैसे। नहीं नहीं ये भी ले जाके दान कर देना वहां पे जहां जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। जुआरी कहीं का। चले आ ले दे। अरे बाप रे बाप रे, झंझम पटाखा। नहीं आई खेलना है। अरे आजा मेरे राजा, जुआ खेलेगा? नहीं मैं यहाँ क्रिकेट खेलने आया हूँ। लगता है आज तेरा मूड खराब है। हाँ ज्यादा मूड खराब मत कर, चल पत्ते बांट। ए डबल लार्ज नीट पैक लेके आओ। अबे नीट पिएगा तो चढ़ जाएगी। अरे वो मुझ पे चढ़े या मैं उस पे चढ़ू तो उससे क्या मतलब? तू पत्ते बांटना यार, देर कर रहा है। बड़ा काई को रहा है, बांट रहा हूँ ना मैं। थैंक यू। One more.
कट। अब मूड बनेगा बॉस। चल मेरी ब्लाइंड ये ले। अरे और कह रहेगा आजा सारा आज अपना धीरे। अब की मैं बांटता हूं। काट ले ए पत्ते इधर रख। एक दो तीन बेईमान आदमी। चल भाई चल जल्दी चल अब की तो मेरी बारी। क्या भाई हैं? ओके ब्लाइंड। मेरी भी ब्लाइंड। तुम देखो जल्दी अब क्या कर रहा है तू? ब्लाइंड। ये मेरी एक और। ये मेरी एक और ब्लाइंड। ऑल ऑल चल भाई। दिखा तू दिखा। ये एक केक का कलर। पैसा खत्म खेल खत्म भाई। अरे मेरे भाई ये छूना नहीं। सुन राजा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं हार के जा रहा हूँ? राजा तो अपने दोस्त से हार के हारा है। अबे ऐसा क्या बोल दिया तेरे दोस्त ने? चोर। चोर? चोर बोला? हाँ वो तो चोर बोल के चला गया लेकिन चोट सीने पे देके गया है। अरे बाप रे। कैरी ऑन चोर। दोस्त बहुत गलत किया उसने। छोड़ना मत उसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। लो अब तो घंटी बज गई भगवान लेकिन मेरी घंटी तो विजय ने बजा दी। नाराज तो बहुत हुए होंगे आप। क्यों ना? जो आदमी जिंदगी भर आपके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता रहा और आपकी चौखट पे अपनी नाक रगड़ता रहा उसी ने आपके सामने मुझे चोर कहा। आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। तमाशा देखते रहे? नाराज तो बहुत होंगे आप क्योंकि आप जानते हैं मैं राजवीर सिंह चौहान एम कॉम फर्स्ट क्लास कोई डॉट कॉम नहीं। आपने ही मेरी माँ को कैंसर दिया। आपने ही उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं दिए। मुझे मजबूर कर दिया सड़कों पर चोरी करने के लिए। मजबूर कर दिया और उसी चोरी के पैसे से मैंने जब माँ का इलाज करवाना चाहा तो उसको आपने अपने पास बुला लिया और मुझे छोड़ दिया यहां दलदल में मरने के लिए। उस वक्त मैं बहुत नाराज था। नाराज है हम। मैंने विजय को आपके अपने घर में खिलाया पिलाया उसको रहने के लिए जगह दी। उसी ने मुझे चोर कहा। चोर चोर। और आपने कुछ भी नहीं कहा। नाराज तो बहुत है हम। नाराज तो बहुत है हम। उठ जाग शराबी भोर भाई। अब रहन कहां जो सोवत है। ये लो आज तुमको नींबू पानी की जरूरत है और हमको कॉफी की। ये लो। क्या हुआ पट रहा है? पट रहा है बहुत पट रहा है। I am very sorry भाई। I am very sorry भाई। मैं रात को नशे में सारे पैसे हार गया सब लुटा दिया। अब आज तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या फायदा है फिर लुटा दोगे? नहीं 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 अब कभी नहीं खेलूंगा भाई। कभी नहीं ऐसा होगा। कितनी बार सॉरी बोलोगे? कितनी बार? कसम। एक मेरा नसीब देखो तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है और वो पूजा जैसी लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर? यस डैड माय लाइफ पार्टनर विजय आई लव यू। I know my Cinderella. अपने स्टेटस के हिसाब से लड़का ढूंढा होगा। Tell me my daughter, which industrial family does he belongs to? Dad, ना तो वो businessman है और ना ही किसी businessman का लड़का। He is a CBI officer. Dad. Oh,
सीबीआई ऑफिसर, टेल मी, तुम्हें वो कब और कहां कैसे मिला? उस दिन जब मैं शॉपिंग करने गई थी। I'm sorry. Thank you. ट्रॉली बदल गई। अब बिलों की बारी है। जी, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपका सामान इधर है। अरे, मेरा सामान यहाँ? इसे कौन लाया? वही जो इसका बिल दे गया और बिल के पीछे एक मैसेज भी छोड़ गया। आपकी खूबसूरती की तारीफ में मेरे पास वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे इन 10 नंबरों पर थोड़ा सा गौर कर लोगी तो इस गरीब को वर्ल्ड की सारी खुशियां मिल जाएंगी। कौन हो सकता है ये? राजा, अपने धंधे का तो बज गया बाजा रे। अगर पता होता कि मॉल में इसका माल मिल जाएगा और इसकी ये हालत कर जाएगा तो अकेला कभी भेजता ही नहीं। ये मजनू की 7वीं पीढ़ी। अरे भाई, दोपहर से शाम हो गई है इसी पोजीशन बैठे हुए, पोजीशन तो चेंज कर ले। उसका फोन नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अरे मुझे यकीन है उसका फोन नहीं आएगा। बात करता है। अपना जजमेंट रहो। अरे उसी का है। हेलो, आपने मेरा बिल क्यों दिया? मेरा बिल? बिल की बात कर लो, बिल पहुंचा दो। अरे मैंने कौन सा बिल दिया? मैं तो दिल दिया। मेरा मतलब है मैं जान भी दे सकता हूँ। आप मुझे कोई पागल लगते हैं। पागल तो मैं हो गया हूँ आपके प्यार में। ओ गॉड, इतनी जल्दी? कोई कैसे किसी से प्यार कर सकता है? प्यार में वक्त थोड़े ना लगता है, जब होना होता है झट से हो जाता है। लेकिन मैं तो आपसे प्यार करती ही नहीं, मैंने तो आपको देखा भी नहीं। तो आप देख कर कर लीजिए। ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जरूर, मैं भी दोबारा आपको करीब से देखना चाहता हूँ। कल शाम 4 बजे अक्सा बीच। डन। यस डैड, प्यार तो मुझे विजय की बातों से ही हो गया था, और जब वो मेरे सामने आया मैं तो उसे देखती रह गई। और उस पहली मुलाकात में ही, जिस मासूमियत और भोलेपन से उसने मुझसे बात की, मुझे तभी पता चल गया था He's a very good human being. Please, देख, तेरी मर्जी के आगे कभी मेरी मर्जी चली है? सुबह से रात हो गई है, मेरे कान नहीं सुन पा रहे हैं। तो एक काम कर, तू उसे ले आ, मैं मिलने को तैयार हूँ। Yes, thank you, Dad, thank you। कैसा सन्नाटा है, विजय, आज हाथ मार ले। राजा, मैं अंदर जाता हूँ, तू इधर ही खड़े रहना। थोड़ी भी गड़बड़ दिखे तो मामा, मैं हमेशा की तरह उल्लू बन जाऊँगा। कौन से ढांचे में बनाया भगवान ने तुझे? विजय, तुम पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
और मैं यहाँ चोरी कर, मेरा मतलब है तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ। सरप्राइज? लेकिन तुम इस बंगले का एड्रेस भी नहीं जानती। अरे पूजा, तुम भूल रही हो कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। हाँ, मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम रात को चोरों की तरह आगे मुझसे मिलने। ऑब्वियसली मैं तुम्हारे लिए सीबीआई ऑफिसर से चोर भी बन सकता हूँ। हाउ स्वीट। कहीं खाली बिस्तर देख के सो तो नहीं गया? या हो सकता है कुछ ज्यादा ही माल हाथ में लग गया हो। खुद जाना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। ये बड़ी बदबू है। कौन है? कौन? कौन? डैड, कोई नहीं। डैड, कोई चोर नहीं है यहाँ, कोई नहीं। बेटा, डैड, खिड़की बंद है। डैड, सब खिड़कियाँ बंद है। डैड, आप रिलैक्स करो। डैड, आप जाइए सोइए, प्लीज। यहाँ कोई नहीं है। डैड, यहाँ कोई नहीं है। आई एम फाइन। बेटा, टेक केयर। आई एम फाइन। डैड, आप आराम करो। ध्यान रखना। मैं हाँ डैड, क्लोज द डोर। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे यार, हमारी किस्मत देखो, जिस घर में गए चोरी करने के लिए वही पूजा का निकला। और तुम क्या करने आ गए थे माता? अरे मुझे लगा तेरे हाथ बहुत बड़ा माल लग गया है, मैं गया था तुम्हारी मदद करने। और तुम्हारा वो ससुर इतना छोड़ू फैक्ट्री है कि साला बम का दम घुट जाए, पूरा कपाल भर दिया उसने, अभी तक बदबू आ रही है, परेशान हूँ। तुमको मजाक सूझ रहा है यहाँ पे? हैं? इधर मैं अंदर से पूरा हिला हुआ हूँ। अरे देखो, इससे बचने का एक ही उपाय है, एक बार कोई लंबा हाथ मारो और फिर जीवन भर चोरी चकारी से छुट्टी, जीवन भर के लिए चोरी से बिल्कुल कट्टी। सोचो मत, इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। सोच, एक लंबा हाथ और जीवन भर पूजा तेरे साथ। खुल मत। ये बॉस भी ना कैसे कैसे वजनदार सामान लेने को भेजते हैं, मेरे तो हालत ही खराब हो गई। क्या कहने का भाई, बॉस का बात सुनने का। ये लगता बकरा मिल गया, बकरा मिल गया। विजय, विजय, मुझे लगता है उस बैग में बहुत माल है। तुझे लगता है? मुझे पक्का यकीन है किस पे आए। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने तुम्हारी सुन ली और मेरी? तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं। हो जा शुरू। बस ये लास्ट। हाँ, चल चल चल, जल्दी रख, जल्दी रख। बाबरे, कमर टूट गया, चल रे। मैं तेरा मालिश करेगा ना। भाई का फोन। भाई का फोन। हेलो भाई, कैसे? भाई काम हो गया, और आपने जो नंबर प्लेट दिया हमने गाड़ी पे लगा दिया, अभी तो कोई चेकिंग भी नहीं होएगा हमारा। हाँ भाई, ओके, थैंक यू। अरे भाई साहब नमस्कार। क्या बात है, चौके नुके, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। अरे माशाल्लाह, शक्ल से तो बड़े शरीफ आदमी लगते हैं आप। ओह सॉरी 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 सॉरी, और शरीफ नजर भी आ रहे हैं। अपुन का नाम है बल्लू। अच्छा, नाइस टू मीट यू। मैं कल्लू। अरे वाह वाह वाह, भाई साहब अमिताभ बच्चन साहब का बंगलो किधर है? वैसे आप कौन? मैं एक्चुअली प्रोड्यूसर हूँ, और अमिताभ बच्चन जी को साइन करना चाहता हूँ।
तेरे को सवेरे से कोई मिला नहीं क्या? अरे शक्ल देखे अपने। अरे ऐसा शक्ल ले जाएगा तो वॉचमैन तेरे को गेट पे खड़ा भी नहीं करेगा। चल चल, इसी में तो मार खा गए, इसीलिए तो पिछड़ गए ना सब लोग। क्या तुम्हें क्या घंटा मालूम है? मेरे जैसे प्रोड्यूसर लैंड क्रूजर लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को साइन करके, और जो अपनी बात नहीं मान रहे हैं वो तुम्हारे जैसे उठा गिरे सड़कों पे घूम रहे हैं। बोल बच्चन, अब उनके पास टाइम नहीं है, जाना है। ए, किसी भी टैक्सी वाले को जाकर बोलेगा ना तो अमिताभ बच्चन के बंगले में। अरे पता बता दे इधर से फर्नीचर साला। ए, भाई भाई साहब एक मिनट। अब क्या हुआ तेरे को? अरे टेंशन क्या है, टैक्सी वैक्सी कहाँ भाड़ा भाड़ा के चक्कर में पड़ेंगे, बस नंबर दे दीजिए ना, आप समझा करिए। देखो बैठो अच्छे से, अच्छे से बैठो, अच्छे बच्चे की तरह जाओ, अच्छे बच्चे की तरह आओ। आगे गाड़ियाँ मोटर बहुत चलती हैं, बहुत संभाल चलाना, कोई टेंशन मत लेना। कुछ नहीं है सर। एक अल्लू, इधर तो जबरदस्त चेकिंग चल रहा है। अरे डर मत, बॉस ने हम लोगों को कुछ सोच समझ के तो नंबर प्लेट दिया होगा। चल 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 चल। हाँ चल। चलिए सर, चलिए। सर ये गाड़ी जाने क्यों दिया? नंबर प्लेट देखी नहीं क्या? ये एसीपी साहब की पर्सनल गाड़ी है। ओके सर। एक मिनट। सॉरी भगवान, अर्जेंट है थोड़ा सा। ये क्या कर रहा है तू? ओ हे भगवान, ऐसा माल मिले कि माला माल हो जाए। हो गया तेरा? हाँ अब हो गया। अब खोलूं? अब खोल। जो भी पाप किए हैं हमने उनको क्षमा करना, ओ स्वामी उनको क्षमा करना। जो भी काम बुरे हो, जो भी काम बुरे हो उनसे जुदा रखना। ओम जय जगदीश हरे। तो करोड़पति बन गए विजय, ये मूर्ति तो 15-20 करोड़ की होगी। भगवान का कोई मोल नहीं होता है। अरे यार, तेरी भक्ति से खुश होकर खुद भगवान ने अपने आप को हीरे जवाहरात में ढाल कर तेरे सामने पेश कर दिया, ताकि इन्हें बेचकर तू अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। नहीं राजा विजय, ये मुझसे नहीं होगा। तुझसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? पागल मत बन विजय, ये करोड़ी मल को बेच देंगे, इनको रातों रात गला देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, कभी नहीं। नहीं बेचेगा तो फिर इनका तू करेगा क्या? ये मूर्ति जिसकी है उसे वापस लौटा दूंगा। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। देख राजा, तू जो बोलेगा मैं करूंगा, डाका मारूंगा, बैंक लूटूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन अपने भगवान को मैं नहीं बेच सकता। अरे बहुत पाप चढ़ेगा यार। ठीक है मेरे बाप, तू जीता मैं हारा, लेकिन ये पता कैसे करेंगे कि मूर्ति किसकी है? कहाँ है मूर्ति? हाँ मूर्ति कहाँ? कहाँ है मूर्ति? भाई एक मिनट। तुम लोग जानते हो जिसके लिए मूर्ति मैंने चोरी करवाई वो बहुत खतरनाक आदमी है, मुझसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है वो। हाँ भाई, तुम दोनों के साथ मुझे भी मरवा डालेगा वो। रिलैक्स चावला, एक महीने की मेहनत के बाद मथुरा के मंदिर से वो मूर्ति चुरवा के मुंबई मंगवाई थी मैंने, और मुंबई आते ही तुम दोनों ने उस मूर्ति को खाया। मुझे ही क्यों मिलते सब? हाँ बोलो, कहाँ गई फिर? मेरे को खुद ताजुब हो रहा है, मेरे खुद डिक्की में रखी थी तो फिर कहाँ गई? कैसे इधर आया? वो गायब हो गए। सच्ची बोल रहा है भाई, सच्ची बोल रहा है। तुम दोनों को इस तरह से गायब कर दूंगा, तुम दोनों की मम्मियां ताज्जुब करेंगी, कहां गए मेरे बच्चे? रिलैक्स चावला, मिल जाएगी मूर्ति। लेकिन क्या लगता है तुम दोनों को वो मूर्ति कहां गई?
भूत आकर ले गया उसे, या वो हवा में उड़ गई, या कृष्ण भगवान को लगा होगा कि इन बदमाशों के साथ मुझे नहीं रहना। सॉरी भगवान, सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ है? देखो एक बात समझ लो, अगर वो मूर्ति नहीं मिली तो तुम दोनों को काट कर किसी गटर में फेंक दूंगा मैं। आउट। कहाँ तलाश करेंगे? और मेरी ये समझ में नहीं आता, तू ये मूर्ति बेचना क्यों नहीं चाहता? एक मिनट राजा, सोचने दे उस गाड़ी का क्या नंबर था। MH04AX 2195। MH04 2195। जी जी जी। आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना। सर हम लोग बैठे हैं, आप खड़े हैं। घूस देकर कुर्सी मिली क्या? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप उनका पता क्यों पूछ रहे हैं? इसको सर को उनका कुछ सामान लौटाना है। सामान? पता लिखिए ना प्लीज। जी जी मैं पता देता हूँ। पका रहे हैं। पता तो मिल गया। ये लीजिए। और उसे कहिए कि ये पता हमने आपको दिया। अरे जी जी, प्रमोशन हो जाएगी। खुशखबरी दूंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पक्का घूस खिला के अफसर बना है। घर तो बड़ा आलीशान है। कहीं चुप कर यार। नमस्ते। 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 बड़ा सन्नाटा है। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए जी। वो साहब से मिलना था। आइए जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज बैठिए जी। बैठता हूँ जी। बैठ बैठ। क्या हुआ? मर गया। ये तो एसीपी सुशांत सिंह का घर है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आए दिन फोटो छपती रहती है अखबार में। कल मुख्य हेडिंग होगी, दो छात्र चोर, इनकाउंटर में ढेर, चारों खाने चित पड़े हुए, चोरी की मूर्ति बरामद। इससे पहले आए चल जल्दी निकल ले पतली गली से, जान बच्ची तो लाख। हाँ बोलो। क्या जो चोरी की गाड़ी बरामद हुई है उस गाड़ी पर मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट? अच्छा है, नाकाबंदी करो पूरे शहर, कोई भी शातिर चोर बचने ना पाए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ए जी, कौन हो तुम लोग? जी मैं राजा, ये विजय। नहीं नहीं, मैं विजय, ये राजा। जी जी जी। हम फैन है सर आपके, आशीर्वाद लेने आया। जी सर। सर आप जैसे ऑफिसर पूरे हिंदुस्तान में हो सर, चोर चक्कों की तो शामत आ जाए। बिल्कुल सही कह रहा है सर ये। यस। शट अप। तुम लोग क्या समझते हो, मेरी तारीफ करके तुम लोग मुझे बातों में उलझा लोगे? हाँ, तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हीरो, बैग में क्या है? सर कपड़े हैं सर। दिखाओ सर। सर कुछ गंदे कपड़े हैं, कुछ गंदे गंदे कपड़े। इतने बड़े बैग में गंदे कपड़े? नहीं कुछ पहने गंदे। अरे दिखा दो ना सर को। अरे चलो 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 चलो, ठीक है जाओ तुम लोग जाओ। जी थैंक यू सर। अरे सुनो। हाँ हाँ, ये लेके जाओ। जी हो, सॉरी सर। और इंदा बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आना। जी नहीं। ओके जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। द फोर्स। जय जय नमस्ते। अरे ये तो पूजा की गाड़ी है। चल चल। अरे पूजा तुम? अरे तुम यहाँ कैसे? एसीपी तो एसीपी से मिलने। यहाँ क्या? अरे तुम बैठो बैठो, तुम बैठो, मैं बताता हूँ। चल बैठ बैठ बैठ, जल्दी गाड़ी चला, कहीं फिर से नहीं बुला ले। चल अपनी पग पग बंद कर यार। जा तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं डैड के काम से। अभी डैड का काम भूल जाओ, हमको बस्ती छोड़, समझ रही हो? अरे बाप रे बाप, राजा अपने केस के चक्कर में हम लोग ये भी भूल गए कि आज महाशिवरात्रि है। आज ये काका हमको छोड़ेगा नहीं। चल चल चल, उतर उतर फटाफट। अरे काका माफी। अरे विजय भैया कहाँ हो? आ गए। कब से इंतजार कर रहे हैं। ये लो शिव जी का प्रसाद, चढ़ाए ले। जय हो, जय भोलेनाथ। अरे सबको बांटो, हमको डांटो, हमें भी तो दो। हाँ लगा लो लगा लो, अंदर एसी फील करोगे, मजा आ जाएगा। आ जा बागा जा, नहीं आओगी? ये अब तो निकलोगी बाहर। डैडी से मिलने कब आ रहे?
तुम्हारे डैडी को मिलने में क्यों आऊंगा? हमारी शादी की बात करें। ओ हाँ, शादी शादी। देखो कल मेरी सीबीआई चीफ के साथ मीटिंग है, तो कल तो नहीं आ पाऊंगा, उसके बाद एकदम देख लेंगे। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। देखो पूजा, तुम बटुन हो गई हो, फटाफट ऑटो से निकलो, कल ड्राइवर भेज देना। बहुत रात होगी, निकलो, चलो चलो निकलो। अच्छा, बैठो चलो, चलो बनवारी भैया। क्या मरवा रहा है यार। अरे चलना, कल मिल लेना यार। कभी अधी कभी पौआ, कभी गोरी कभी कौआ। पूजा तो गए, चलो अब इनकी पूजा करें। तू टेंशन मत ले, समझ रहा है? मत ले तू टेंशन, कुछ ना कुछ हल निकलेगा इनका, समझ रहा है? देख विजय, जब तक ये भगवान की जिम्मेदारी मुझ पर और तुझ पर है, तब तक हम चोरी चकारी करने से तो रहे। अब ये जिम्मेदारी से मुक्त हो ले यार। सब कॉकटेल हो गया क्या? मिक्स हो गया सब। कल हम पुलिस स्टेशन जाके मूर्ति पुलिस को दे देंगे। क्या? पुलिस को दे देंगे। पुलिस को? ए, मरवाएगा क्या? पुलिस हमें बिना सोचे समझे चोर मान के अंदर कर देगी, बात करता है। हम उन्हें बताएंगे कि अगर हम चोर होते तो मूर्ति लेके आपके पास क्यों आते। ए, क्या हो गया तेरी अकल को? कल इंक्वायरी में निकलेगा कि ये बैग लेकर हम एसीपी साहब के यहाँ गए थे, तो ये बैग हमने उन्हें क्यों नहीं दिया, तो क्या जवाब देंगे? घंटा। You're right. तो तू बता क्या क्या करना चाहिए। मैं तुझे कहूंगा बेचने के लिए, तो तू सुनने वाला नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके ओके, नहीं बेचूंगा। तो फिर मैंने सोच लिया, कल किसी भी कीमत पर भगवान जी को विदा करके ही आएंगे। नींद लगी है यार, चल सो जाते हैं। चलिए भगवान जी सो जाते हैं। कभी आदि। अबे चोरों के घर में ताला कौन डाल गया बे? एक काका बेवड़े। सब घूम रहा है। चाबी तुम्हारे पास है? सब घूम रहा है। खोलो। चाबी खोलो। भाई भाई, कल्लू मल्लू आ गए। आने तो। अरे यार, इसको बोल दो बॉस नहाने गए। नहीं नहीं नहीं, इसको बोल दो बॉस मर गया। क्या बोलूं इसको मैं? हेलो सावला, जितना एडवांस तुमने मुझे मांगा मैंने तुम्हें दिया, मगर वो मूर्ति मुझे अब तक नहीं मिली। इसका अंजाम जानते हो? नहीं नहीं, यकीन मानिए, मैं 2-3 दिन में मूर्ति आप तक पहुंचा दूंगा। ये बात पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा हूं। आई प्रॉमिस। ध्यान से सुनो चावला, अगर 3 दिन में मुझे वो मूर्ति नहीं मिली तो आई प्रॉमिस चावला, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी मूर्ति किसी चौराहे पे लगवा दूंगा। हेलो। अयो भाई, तुम दोनों की वजह से। आओ आओ आओ। बाय प्लीज। कोई बात नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मूर्ति लेके तुम लोग निकले वहां से, उसके बाद कहीं रास्ते में रुके तुम लोग कुछ करने के लिए, कुछ खाने के लिए, या फिर रास्ते में कोई मिल गया तुम्हें, याद है? हाँ, अमिताभ बच्चन। इस गधे के कहने का मतलब है कि तुम दोनों को अमिताभ बच्चन नहीं भाई। एक लड़का अपुन से अमिताभ बच्चन का पता पूछ रहा था। हाँ भाई, और तुम दोनों गधे उसे अमिताभ बच्चन के घर तक छोड़ कर आए मूर्ति के तेल लेने के लिए। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं। रिलैक्स, याद करने की कोशिश करो वो लड़का कौन था। भाई बोलने को तो कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बता रहा था, लेकिन भाई लेकिन दिखने में तो बोले तो बिल्कुल फटीचर लगता। अच्छा? था भाई। हाँ? वही था। हाँ? क्या बोलता है मीनू? एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर, वही वही सर। क्या करूं दोनों को, तो फिर पहले ही क्यों नहीं बताया मुझे? भाई भूल गए थे। जाके उस लड़के को ढूंढ के लाओ अभी इसी वक्त। चल जल्दी उस लड़के को ढूंढते।
गला ही दबा दे मेरा तू। पहले एक टैक्सी पकड़ेंगे, तू आगे वाली सीट बैठ जाना। अरे लेकिन बताओ तो करने क्या वाले हो? किसी सुनसान जगह पर हम लोग टैक्सी रुकवाएंगे, मैं ये बैग पीछे छोड़ूंगा, तू फौरन पैसे देके बाहर आ जाना। फिर? अरे फिर क्या, टैक्सी वाला बैग देखेगा, तुरंत पुलिस को फोन करेगा, कोई आतंकवादी बैग छोड़ के चला गया। फिर क्या भाई राम, कहानी पुलिस आएगी, चेक करेगी, कहानी खत्म। अरे लेकिन लेकिन तू सब छोड़, कैसे इनको छोड़ देंगे? अरे राजा, मीटर डाल दो भाई। मीटर खराब है क्या तुम्हारा? अरे भाई कहाँ जाना है? चलो चलो बैठो। हाँ जन्नत चलना है। अरे जन्नत यार, शाहरुख खान की मन्नत। अच्छा चलो भैया, जहाँ ये बोल रहे हैं वहीं चलो। स्टेशन रोक लेना, पता नहीं क्या करे। अरे भाई लोग अब तो बता दो जाना कहाँ है। अरे इससे पूछो ना। ये कमाल है, ये तुम्हारा सड़ा हुआ टेप चलता है क्या? चलता नहीं भाई, बजता है। बजता तो बजाओ ना। लो ना भाई। चोरी मेरा काम यारो, चोरी मेरा काम, चोरी। बदलो ना यार। हाँ भाई। चोर तू मेरी रानी, चोरी चोरी ले चला मैं। अरे कोई ढंग का लगाओ ना यार। हाँ भाई, हेलो, भड़कना क्यों है? एक विशेष सूचना, अगर आपको रास्ते में कोई अनजान वस्तु नजर आए या फिर कोई बैग नजर आए तो कृपया उस बैग को हाथ ना लगाएं। उस बैग में बॉम्ब भी हो सकता है, इसकी जानकारी फौरन करीबी पुलिस स्टेशन को दे। सूचना समाप्त। अरे बापू, आजकल पता नहीं चलता कौन चोर है कौन आतंकवादी है। अगर कोई पैसेंजर गलती से अपना बैग टैक्सी में भूल जाए ना तो अपना तो हवा टाइट। क्या है आजकल शहर की हालत ठीक नहीं है, हो सकता है उसमें बम हो। ये तेरी गाड़ी में क्या सब चोर चक्के बैठते हैं? गाड़ी साइड में ले। चोर लगाओ गाड़ी साइड में। ये चोरों के सम्राट, हम दोनों के चोर चक्के दिखते हैं तुझे? चोर 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 चोर। 80 रुपया ये लो, बाकी रख लो। ठीक है। अरे ये क्या, ये भाई लोग बैग छोड़ के गए या भूल के गए? कहीं इसमें बम तो नहीं? देखा मेरे दिमाग का कमाल, आगे पुलिस पे छोड़ दो। अरे मुझे पूजा के यहाँ पहुँचना है यार शाम को। ले भाई लोग, अरे अपना बैग तो लेके जाओ। अरे कब से ढूंढ रहा हूँ तुम दोनों को। तेरा आइडिया था ना। अरे शक्ल से तो सारी बात में दिखते हो, मेरा सारा पेट्रोल जलवा दिया, पैसा कौन तुम्हारा बाप देगा? चलो माफ कर दो भाई। क्या माफ कर दो? थैंक यू भाई। थैंक यू के बच्चे, परेशान करके रख दिया मुझे। थैंक यू। इतने शरीफ कहां से हो गए लोग आजकल। सर, सर मैंने उन चारों शातिर चोरों को बुला लिया है जिनकी आपने मुझे लिस्ट दी थी। आप चलिए, मैं आता हूं। सर किसी भी मुजरिम से मैं सिर्फ एक बार पूछता हूं, बता दिया तो ठीक वरना ठीक कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चुराने में तुम में से किसका हाथ है? और अगर नहीं है तो वो कौन सा गैंग है जिसका ये काम है? सच कहता हूं साहब, इस चोरी में अपन का कोई हाथ नहीं है, और साहब ना ही हम ऐसे किसी गैंग को जानते हैं साहब। अगर चोरों का ये गैंग आसपास का भी होता तो भी हमें जरूर पता चल जाता। साहब मुझे लगता है इसमें किसी इंटरनेशनल गैंग का हाथ है। यहाँ एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाया तुम लोगों को, ले जाओ इन्हें। ये चल 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 चल। सर क्या लगता है आपको, इनमें से कोई है? मुझे लगता है इन्हें वाकई मूर्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं। फिर ये मूर्ति किसने चुराई? चलो यहीं छोड़ते हैं, थोड़ी सांस लेते हैं, फिर कुछ और तरकीब सोचते हैं। और कुछ सोचना बाकी है क्या? नमस्ते। हाँ नमस्ते निकला। कैसा है? अच्छा हूँ। अरे तुम नहीं, बर्गर कैसा है? बर्गर भी अच्छा है। एक एक्स्ट्रा है क्या? हाँ है ना। मैं थोड़ा बहुत जोर से भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं जरा इंतजाम करके आता हूँ। कुत्ता चाचा नमस्ते, बहुत अरे अरे लगी है। थैंक यू चाचा, थैंक यू कुत्ता। कमाल है, बहुत स्वादिष्ट है। कुत्ता क्यों भौंक रहा है? अरे निकला भौंकेगा ना, ये बगड़ तो उसका ही था।
ये बुड्ढे ने ले लिया है पंगा हमसे, अब तू देख इसको कैसे पुंदाता हूं यहीं पे। क्या करेगा तू? ये बैग यहीं पे छोड़ देते हैं और ये तुरंत पुलिस को बुलाएगा, देखना। अब छोड़ूंगा नहीं। चल, कुत्ते का बर्गर खिला दिया, साला पेट में बर्गर भौंक रहा है। अरे अरे बैग भूल गया ए, वो तुम ए, या, तो बैस 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 आओ आओ हमना ए, अरे निकला ए, जाओच का ए, बैग लेना ए, देखना बाबाजी पुलिस कैसी पूछताछ होती है आपस में। थोबो थोबो भाग, भाग राजा भाग 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 भाग। तमीज इतना मारो नानी याद आएगी। अबे फुग्गे गाली देता है फुग्गे। अरे निकला सुनो, कुत्ते का बगा खा गया क्या? कुत्ते का माफी भागता है तू? तुम तुम्हारा बैग बोल के जा रहा था, ये लो। अरे गधेरा कम से कम थैंक यू तो बोलो। थैंक यू? अरे तुम्हारा फोन बंद है, फोन तो देखो। काम हम कर लेंगे। पूजा का फोन। हाँ पूजा, मैं पहुंच रहा हूँ। चल तू बैग लेके जा, मैं मिलता हूँ तुझे। ठीक 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 ठीक। ए तू जल्दी आ जाना। अरे ऐसे बहुत सारे केस हैं। किस केस पे काम कर रहे हो बेटा आजकल? जी बस एक मूर्ति के केस पे काम कर रहा हूँ। मूर्ति? कृष्ण मूर्ति, काफी रिप्यूटेड पर्सनालिटी है, मथुरा वाले शायद आपने जानते होंगे। वैसे मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहूंगा। ये तो नहीं हो सकता सर। क्यों, क्या बात है बेटा? क्योंकि मेरे मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं बिल्कुल अकेला हूं। कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में। आई एम सॉरी बेटा। देखो अपने को अकेला मत समझना, तुम मुझे पापा बुला सकते हो। थैंक यू अंकल। पूजा का कल जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के एंगेजमेंट कल कर दूं। क्या? मैडलिन चलेंगे? हाँ जी, चलिए चलना भाई। ए, रुक रे। ए, 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 ए। बॉस कौन है? अरे तू है, बैठना भाई। चले। ए, 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 अरे रुको। टैक्सी, उस टैक्सी के पीछे चलो। वो टैक्सी के पीछे चलो। जी सर। भगाओ भगाओ भगाओ। वही वही बिल्कुल। बस बस धीरे धीरे इसके पीछे पीछे चलो। नहीं बॉस ने वापिस काई को बुलाया है। काम धंधे तोड़ी उसके पास। कुछ लफड़ा तो नहीं होगा ना? अरे मैं ही ना, टेंशन क्यों ले रहे। तुम दोनों से एक एक लड़का नहीं ढूंढा जा रहा। तुम दोनों की जान लेकर रहूंगा मैं दिन। भाई मां कसम, अपुन ने पूरा मुंबई ढूंढ मारा भाई, सच्ची भाई। पूरा मुंबई छान मारा? हाँ ये सही बोल रहे सर, कहीं भी नजर नहीं आए सर। सर हमको एक मौका दे दो सर। हाँ प्लीज। कितने मौके दो तुम दोनों को? मैं एक मौका। और मौका तुझे भी चाहिए? कौन मौका? नहीं, नहीं, नहीं। तो जाओ जाकर ढूंढो उस लड़के को, और हॉल में मुझे वो मूर्ति चाहिए बस। अरे लखिया बाबुल मोरे का, अरे कितना बजोगे? अरे विजय कहाँ यार तू? पूजा की डैडी से बात हुई कि नहीं? अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ, मूर्ति के असली मालिक का पता चल गया। क्या बात कर रहा है तू? ए सपना तो नहीं देख रहा है? बस तू मूर्ति लेके यहाँ पहुँच, जहाँ का पता मैं तुझे बता रहा हूँ। हाँ, एक एक लिख, पेन उठा, जल्दी लिख। एक होल्ड कर, होल्ड तो करो यार। जल्दी कर राजा, इतना टाइम नहीं है। हाँ बोलो। मालिक आशियाना कॉटेज। हाँ ये मड आइलैंड में आइस फैक्ट्री है ना? हाँ। आइस फैक्ट्री से लेफ्ट मार। हाँ हाँ। अंदर जाके रोड के एंड पे। ओके ओके, चल चल अभी अभी पहुँच रहा हूँ, जल्दी कर। हाँ चाय तो पीने दे। क्या बात है, कितने खेल खेलते हो,
अब पता दिया आपने। आप दो मिनट रुको, मैं जरा चेंज वेंज करके आता हूँ। ऑफिसर्स, आप लोगों को पता ही होगा कि मूर्ति चोरी का केस दो सीबीआई ऑफिसर्स को हैंडओवर कर दिया गया है। पर ये दो ऑफिसर्स कौन है सर? पता नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इन दोनों ऑफिसर्स ने अपने तरीके से इस केस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, और इन दोनों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्हें सिर्फ इस मूर्ति का पता नहीं लगाना है बल्कि उसके साथ साथ मंदिरों और म्यूजियम से एंटीक मूर्तियां चोरी करने वाले पूरे गैंग को पकड़ना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें। सवाल इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का है। हमें अपनी पूरी ताकत और होशियारी के साथ उन दोनों ऑफिसर से पहले इस मूर्ति का पता लगाना है ताकि हम अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बचा सकें। यस सर। एक जना पॉकेट में पैसा निकाल। एक जना क्या रो रहा है? जब देखता पॉकेट का खाता रहता है। हेलो बॉस, कहाँ हो तुम दोनों? केला खा रहा है आपके लिए लाओ। अबे इडियट, खैर छोड़ो, फौरन अंदर चले आओ और याद रखना इंस्पेक्टर पाटिल का कवर देना। अरे हाँ, वो तो उधर ही भूल गए बॉस, आप अपन पर चिल्लाए इसलिए भूल गए। ओके बस याद रखना। नमस्ते सर, दिन में शुरू। कौन हो तुम लोग? साबुन फिनाइल कुछ नहीं चाहिए, चलो निकले यहाँ से। किसने चुराया इन दोनों को इधर? अरे नहीं 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 सर, हमने गलती से आपकी मूर्ति चुरा ली थी, वो लौटाने आए हैं, माफ कर दीजिए। माफ नहीं, साफ कर दिया तुम दोनों को इधर। पहले पहले मूर्ति चेक कर लीजिए, बाद में साफ सफाई के चक्कर में पड़िए। एक भी नग नहीं चुराया हमने, चेक करिए। खड़े रहो दोनों इधर। खड़े हैं। पाटिल साहब। सर मैंने इसके लिए फोन। नहीं नहीं, वो दोनों गधे के बच्चे आपका कवर इधर ही छोड़कर चले गए, मैं भिजवाता हूँ, डोंट वरी, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ओके सर, मैंने इसके लिए फोन थोड़ी किया था। तो फिर जो आपने कृष्ण भगवान की मूर्ति चोरी करवाई थी ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन दो सीबीआई ऑफिसर कर रहे हैं। दो सीबीआई? हाँ, मतलब एक लंबा और एक छोटा। जी हाँ साहब, आप होशियार रहिएगा, किसी भी रूप में आप तक पहुंच सकते हैं। क्या बात कर रहा है? ग्राहक बनकर, दोस्त बनकर या फिर चोर बनकर। बिल्कुल। इससे पहले कि ये भी हमें मूर्ति लौटा दे, चल निकल लेते हैं यहाँ से। एक मिनट। हेलो चावला साहब। अरे भाइयों एक मिनट रुको तो, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, ये मूर्ति मेरी नहीं है भाई साहब। क्या? तो क्या हमने अपने घर बनाई है मूर्ति? बदतमीज, किसकी है मूर्ति? एक मिनट। ओके सर। अरे मैं सच कह रहा हूँ भाइयों, यकीन कीजिए मेरा, ये मूर्ति मेरी नहीं है। अरे मैंने खुद सुना है कि आप बोल रहे थे मुझे मूर्ति चाहिए। मैं कह रहा था? हाँ। नहीं तो कब, कहाँ, किसे? नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं क्या? देखा सर, he lost his memory। अरे आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे हम सीबीआई ऑफिसर हैं। हाँ कहीं ना सच्चाई ज़बान पे। नहीं आपसे नहीं, वो क्या है, भगवान से तो भैया मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, मैं तो रावण और बकासुर का भक्त हूँ। ये लीजिए, आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। अरे नास्तिक खानदान, चल चल निकल निकल। अरे ये आगे काटी, ये कहाँ? हेलो कैसे हैं? हेलो हाउ आर यू चोके नोके, हाउ आर यू? चल निकल निकल। लगता है इन दोनों को कहीं देखा है। ओ अरे ये तो जिम्मी शेरगिल राजपाल यादव लगते हैं, चल ऑटोग्राफ लेते हैं। ये कल्लू, मेरे को लगता है ये वही छे जिनको अपन बैग के लिए ढूंढ रहे थे। हाँ ये किधर गायब हो गए? अरे लेकिन बॉस को वो लोग काय को मिलने आए थे? चलो बॉस से चल के पूछते, चलो फटाफट। चल चल चल। क्या कहा तुम दोनों ने? सच्ची भाई वो ही था। हाँ मल्लू सही कह रहे हैं सर, वो जो दो लड़के भी आए थे उसमें से एक लड़का वही था, और उनके हाथ में जो बैग था उसी में हम मूर्ति लेके आए थे सर। सत्यानाश हो मेरा। आपका क्यों भाई? क्योंकि वो दोनों मूर्ति लेकर खुद चलकर आए थे मेरे पास, और मैं गलत फहमी में था, उन दोनों को वापस भेज दिया मैंने। उस इंस्पेक्टर पाटिल का फोन तभी आना था क्या? लेकिन भाई आपने वो मूर्ति वापस क्यों दी? क्योंकि क्योंकि फट गई थी मेरी। मैं उन दोनों को सीबीआई वाले समझ बैठा, समझे तुम? सर वो सीबीआई वाले नहीं थे, वो मामूली चोर थे। वो दोनों मामूली चोर नहीं थे, तुम दोनों के नाक के नीचे से मूर्ति चुरा कर लेकर चले गए वो दोनों। मामूली चोर नहीं थे वो दोनों जी,
रिलैक्स चावला, रिलैक्स। जाओ जाकर उन दोनों को ढूंढ कर लेकर आ। ओके सर। बैंड बजा दो सालों का। क्या बात है विजय, तेरी तो लॉटरी लग गई। देख विजय कैसा लग रहा है सूट मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे भाड़े का। ये बोलना जरूरी था, मैंने बोला तेरा भाड़े का है। सुनो बकवास कम करो, पहली बार बड़ी पार्टी में आए हो, पीना कम और पैसे बिल्कुल मत उड़ाना, समझ रहे हो? हाँ? तो तुझे क्या लगता है मैं डांस बार में आया हूँ क्या? आओ मैं मिलाती हूँ। हाय विजय, यू लुकिंग ग्रेट। हेलो। हाय विजय। मीट माय फ्रेंड नेहा। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। मीट माय डैड। हेलो। हेलो। तो कुछ प्रॉब्लम है? ये राजा मेरा दोस्त। हेलो। नमस्ते। पहचाना इनको? ये तो वही है जिसका मोबाइल और लैपटॉप लेके भागे थे गार्डन में। और सुनाओ अंकल। लगता है मैंने पहले आप लोगों को कहीं देखा है। किसको? अरे देखा होगा कहीं, दे आर सीबीआई ऑफिसर डैड। सीबीआई ऑफिसर? अब जी पूजा तुम्हें को बुला रहे हैं। ओ रिया कम। वेयर आर यू गोइंग विजय? ए हाय। हाय रेनू। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाय हाय हाय। हम लोग पहले कहां मिले? या जी कुछ याद है आपको? एक मिनट निकल, हम लोग पहले कहीं मिले। एक मिनट पीजिए पीजिए पीजिए। चेस चेस पियो, एंजॉय करो, आप चिंता मत करो। हम लोग जरूर पहले कहीं मिले। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। चेस चेस, गॉड ब्लेस यू। ये बुड्ढा है ना, हमें चोरों जैसा ट्रीट। हेलो, खाया? या फिट है ना? सब फिटम पर। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। हेलो, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। क्या देख रहे हो? अरे एसपी साहब, वेलकम सर। कांग्रेचुलेशंस। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। पुलिस परमिशन ली? अरे सर आपके रहते हुए परमिशन। वेलकम, प्लीज कम। यहाँ बेटा। यस डैड। तुम्हें याद आ गया मैंने उन दोनों को कहाँ देखा था? ओह गॉड, मुझे कैसे याद आएगा, लगता है आपको ज्यादा हो गई है, बस करो। नहीं बेटा, यू प्लीज कैरी ऑन टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, मुझे याद आ जाएगा। माय डैड इज जस्ट टू मच, इट्स ओके, लेट हिम एंजॉय। भाई साहब मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। एक मिनट, कहाँ देखा है? निकल, पियो, चेस भी करो, लगो लगो लगो, सब याद आने लगेगा, सब चीज याद क्यों करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी बेटी पूजा के जन्मदिन के खुशी के मौके पर मैं आप सबके साथ एक दूसरी खुशी बांटना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी पूजा की सगाई विजय के साथ अनाउंस करता हूं। थैंक यू पूजा। बस ये तो महाभारत का सेट लग रहा है। अरे शट अप, कुछ नहीं थे गुलदस्ता तो साथ में ले लेते गधों। चलो चावला साहब आइए, बहुत देर कर दी आपने। सॉरी एक जरूरी काम में फंस गया था, माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात, लेकिन मुबारक हो सर। मुबारकबाद का हकदार मैं नहीं, मेरा दामाद है। जी 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 जी, लेकिन है कहाँ वो? चावला साहब वो देखिए ना, ग्रे सूट में। कौन वो? अरे बॉस, ये दोनों तो वही है। हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ। वैसे खन्ना साहब, आपने इंक्वायरी की लड़के के बारे में, मतलब कौन है क्या करता है, यू नो फिकर होती है आजकल। हाँ हाँ चावला साहब, ही इज अ सीबीआई ऑफिसर। लगते फिर झापड़ मारेगा। और वो दूसरा छोटा वाला वो? हाँ ही इज आल्सो सीबीआई ऑफिसर। वो किधर? खन्ना साहब, आर यू श्योर ये दोनों सीबीआई ऑफिसर ही हैं? हाँ 100% श्योर हूँ चावला साहब। अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जी जी जी, किसी को बताइएगा। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों किसी मूर्ति के केस पे काम कर रहे हैं। मूर्ति? कौन सी मूर्ति? चलो साहब, चलो साहब,
बाप रे, गर्मी लग रही है। हरे कृष्णा जी, नमस्ते। देखो भगवान, हमें तो माफ कर दो। जब से आप हमारी जिंदगी में आए, हम दोनों का तो धंधा ही चौपट हो गया। पूरी तरह से कड़के हो चुके हैं हम। अब हमारी कड़की को सिर्फ और सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों करोड़ी मल के पास चलते हैं। माना कि तू शातिर चोर है, हैं? पर असली नकली की पहचान तो जौहरी के पास ही होवे। क्या मतलब? मतलब ये कि मूर्ति दिखने में तो बड़ी प्यारी है, पर है नकली। हैं? क्या मतलब? हम इतने दिनों से भगवान की नकली मूर्ति लेके घूम रहे थे। देख भाया, तुम्हारो पुरानो कस्टमर है। मैं इस मूर्ति के तन्ने 50,000 रुपया दे सकूं, इससे ज्यादा नहीं। इसमें मन ने भी नुकसान हो सके। देखो सेठ, हम जानते हैं आप अपना नुकसान कभी नहीं करोगे, लेकिन आप सच कह रहे हो ना, ये नकली है। अरे तन्ने झूठ लागे तो तारे सामने ये मूर्ति गल्ला के दिखाओ। हमारे सामने नहीं, 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 नहीं। आप गलाते रहे ना, हमें तो पैसे दो, हम जाए। हाँ, तो ऐसा बोलना। थैंक यू भगवान। ले 500। आते रहना, ऐसो माल लाते रहना। ये माल तो चोखो है ना। कोई भाया, घर में नहीं छापो है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये ले, ये क्या 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 क्या, सारा माल अंदर। वाह भगवान, वाह, तेरे पैसे में क्या बरकत है भाई, अब हम नहीं खेलेंगे। तू यहाँ से जीत के जा नहीं सकता। ये लंगूर, तू मुझे जानता नहीं है। अब आज जानता हूँ तेरे को, तू 2% का चोर है। चोर बोला, कालिया तेरी माँ का साकी नाता साले, तेरा खून पी लूँ मैं। तू सारा विजय को माफ नहीं किया, तू है किस खेत की मूली। साला चोर भी का हमसे पंगा लेता है। साले नशे मारता है, तीन तीन साले कमीना तुम लोग। साले 4,000 लाख। देख, मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है। मैंने जो काम किया है वो सही में माफी के काबिल नहीं है। मैं तेरा दोस्त कहलाने के लायक नहीं हूँ। क्यों, तूने ऐसा क्या किया? अरे तूने मेरी जान बचाई और मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति बेच दी करोड़ी मल को। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं तेरा गुनाहगार हूँ, तू मुझे मार पीट कुछ भी कर, लेकिन कुछ तो बोल। देख राजा, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो भगवान को मंजूर ना हो। मुझे उसी वक्त शक हो गया था जब तू पार्टी छोड़ के गया था, और जब मैं घर पहुंचा तो तू और मूर्ति दोनों गायब थे। तो माफ कर दे,
तो मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मेरे दोस्त मुझे माफ कर दे। तूने अपनी गलती मान ली, यही काफी है। मेरे भाई, मारा है सालों ने दबोच। काश तुझे पता होता राजा कि वो मूर्ति मैंने करुड़ीमल से वापस चुरा ली। भाई को जल्दी फोन लगा। अरे अपन गुड न्यूज़ देते हैं। हाँ कलू बोल। भाई मेरे को पता चल गया, वो जो दो आदमी थे वो कोई सीबीआई इंस्पेक्टर नहीं, कोई मामूली चोर थे, और उन दोनों ने वो मूर्ति चुरा कर किसी करुड़ीमल को बेचा है। करुड़ीमल? कौन है ये करुड़ीमल? रिलैक्स साला, रिलैक्स। कल्लू मेरी बात ध्यान से सुनो, वो करुणीमल जो कोई भी हो उसे मूर्ति के साथ यहाँ पर किसी भी हालत में कल सुबह तक उठा कर लिया, समझे? किसी भी हालत में। हाँ बॉस। और याद रख कल्लू, अगर अगर इस बार काम ठीक से नहीं हुआ तो तुम दोनों को जिंदा चला दूंगा मैं। जिंदा? हा? बहुत तकलीफ होती है कल्लू जिंदा चलने में। हेलो हेलो भाई, हेलो। क्या बोला भाई? क्या बोलेगा भाई, ने तो हम दोनों का हालत पुलिस का कुत्ता जैसे कर दिया। कभी इसको ढूंढो, कभी उसको ढूंढो, अब ये करुड़ीमल को कहां से ढूंढेंगे हम? अरे टेंशन काहे को लेता है बिड़ू, अपन को मालूम है करुड़ीमल किधर रहता है। तेरे को कैसे मालूम? बोलते हैं भाई का गैंग ज्वाइन करने से पहले अपन भी चोर था। वो तो तू शक्ल से ही लगता है। थैंक यू बिड़ू। और चोरी का माल भी अपन उधर ही जाके बेचते थे। अरे वाह, तो चल चल के उसको पकड़ लाते हैं। चल चल। डैड आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? नेहा, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ वो दोनों वही चोर हैं जिन्होंने गार्डन में मेरा लैपटॉप और मोबाइल चुराया था। डैड मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। नेहा फौरन पूजा को बुला लेना, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। ओके। हेलो पूजा। मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं अंकल? विजय मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। देखो बेटा, तुम भी मेरे लिए नेहा की तरह हो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। पूजा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ एक बार विजय से उसकी असलियत का पता कर लो, शायद सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाए। बात क्या है? जो मैं तुमसे पूछती हूँ उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। हाँ लेकिन। क्या तुम सीबीआई ऑफिसर हो? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? अरे क्या फर्क पड़ता है मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ या बैंक? पहले मेरी बात का जवाब दो। नहीं। तुम एक चोर हो। हाँ। पूजा मैं तुमको सब कुछ आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। काका, पूजा कहाँ है? साहब, पूजा बेटी सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। क्यों? पता नहीं, पूजा बेटी ने ना तो सुबह से कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बस रोए जा रही है। पूजा, क्या बात है बिटिया? पूजा, पूजा बेटा, क्या बात है, क्या हो गया? डैड, विजय ने मुझे धोखा दिया है। वो कोई सीबीआई ऑफिसर नहीं है, एक चोर है। क्या कर रहे हो तुम लोग बाप समान आदमी के साथ? नो रिस्पेक्ट। इसको भी पड़ी। भगवान कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने वो मूर्ति खरीदी तो थी हाँ, लेकिन फिर कोई और चुरा के ले गए हो।
उल्लू लग रहा हूँ मैं दोनों की तरफ। नहीं, झूठ बोल रहे ना? नहीं नहीं, अरे भाया हमारी बात पर यकीन करो, मन्ने हमारी जान से प्यारी और कोई चीज नहीं, समझे के नहीं? मन्ने तो शक है राजा ने फिर से राजा राजा राजा, हाँ, राजा उस राजा लड़के का पता है आपके पास? अरे भाया वो तो चोर है, मन्ने पहले से पतो हो तो पूरे खानदान को पतो लेके रखते। ये भी मेरी गलती नहीं? ऐसा नहीं है तो मने क्यों कुत्ते की तरह दौड़ रही हो? एकदम चुप। हाँ चुप। बेवकूफ था मैं, आए थे दोनों मेरे पास, मैंने उन दोनों को वापस कर दिया। अच्छा? तुम दोनों क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढ कर लाओ दोनों को। अभी जाता है बॉस, अभी जाता है। चल जल्दी चल। रिलैक्स चावला, रिलैक्स, इट्स ओके। हाँ, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बाया? यही कि अगर वो दोनों चोर थे और उन दोनों ने मूर्ति चोरी की थी तो फिर वो मेरे पास क्यों आए थे? हाँ वो पागल है अंकल, सोचने दे, रिलैक्स रिलैक्स। लो विजय खा लो। मुझे भूख नहीं है राजा। खा लो ना यार। अरे बोला ना भूख नहीं है। अरे खा लेना यार, मैंने भी दो दिन से कुछ नहीं खाया। जिद मत कर, ले खा ले, खा ले, खा ले। अरे राजा, ये तो वही मूर्ति है जो हमारे पास है। हाँ, मथुरा के प्राचीन मंदिर से चोरी गई भगवान कृष्ण की मूर्ति का अब तक कोई सुराग नहीं। अरे बाप रे बाप, तभी ये मूर्ति बार बार हम लोगों के पास चली आती थी। हैं? हम एक काम करते हैं। हाँ? इस मूर्ति को वापस उस मंदिर में पहुंचा देते। बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं देर नहीं अच्छी, चल अभी ट्रेन पकड़ते हैं। हेलो बॉस। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। अंदर सब ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। यार बहुत डर लग रहा है। सारी जिंदगी तो तू चोरी करता रहा है, पुलिस से भागता रहा है, तब तुझे डर नहीं लगा? आज भगवान का काम करने आया है, भगवान तेरे साथ है, फिर भी तुझे डर लग रहा है? ये विजय इतनी ऊंची बात सोचता कहां से? चलते हैं, जय श्री कृष्णा का नाम लेके अंदर घुसते हैं। जय श्री कृष्णा। ससरा नाइट ड्यूटी लगा दी इतनी सर्दी में। हाँ, अभी लोग मिले हैं नाइट ड्यूटी के लिए। अरे जब से नया साहब आया है ना, एकदम जो है माथा खराब हो गया हमारा तो। क्या करें भैया,
ये देख रहा है, आज के दौर में कुछ लोग इंसान को इंसान से अलग कर रहे हैं और कुछ लोग भगवान को भी नहीं बख्श रहे। तू सही कह रहा है विजय, दौलत के लालच ने इंसान को इतना अंधा बना दिया है कि कुछ चल 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 चल। हे राधा जी, हम आपके कृष्ण जी को वापस ले आए हैं, रास्ते में हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा, हमें क्षमा करिए। ये ले विजय, अपने हाथों से राधा जी और कृष्ण जी का मिलन करवा दे। अरे विजय, आज अपने भगवान को आरती नहीं सुनाएगा? ना मैं इन्हें आरती सुनाऊंगा और ना ही आज से इनकी पूजा करूंगा। अरे ये क्या कह रहा है तू? कह लेने दे मुझे आज, तू जानता नहीं है कितने मतलबी हैं। ये बार बार हमारे पास क्यों आ रहे थे मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है। ये अपनी राधा से बिछड़ गए थे और ये चाहते थे कि हम इन्हें वापस ला के छोड़े, और इनके इस खेल में इन्होंने मुझसे मेरी पूजा छीन ली जिसे मैं बेहद प्यार करता हूं, और ये बात इन्हें अच्छी तरह से पता है। विजय, इसमें भगवान की जरूर कोई महिमा होगी। क्या महिमा होगी इनकी? इन्होंने तो हमेशा मुझे कुछ देने की बजाय कुछ ना कुछ छीना है मुझसे। गिरफ्तार कर लो इन्हें। अरे नहीं नहीं मिश्रा जी, ये दोनों कोई चोर उचक्के नहीं है। इन दोनों की मैंने सारी बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी है। अरे ये तो कृष्ण जी की चुराई गई मूर्ति को वापस लेकर आए हैं। और उसे लेने हम लोग आ गए। नहीं इंस्पेक्टर, मत। चला चला चला। किलेंगे तो गोली चल जाएगी, गन दे दीजिए बस। भाई इंस्पेक्टर साहब को ले जाओ और अपने बाकी सिपाहियों के साथ इन्हें भी कैद कर दो, संभाल के ले जाओ, जाओ। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। प्रणाम प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। पंडित जी को कौन ले जाएगा? पंडित जी चलो नीचे चल के पूजा कर दो, चलो तू भी चल रहे। अरे संभाल के पंडित जी को। रिलैक्स, चलो। हाँ तुम दोनों ने मुझे बहुत तंग किया है, कभी सीबीआई ऑफिसर बनके तो कभी चोर बनके तो कभी। रिलैक्स चलो, रिलैक्स। तो अब मैं रिलैक्स होकर के तुम दोनों को बताता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। हाँ एक मिनट, हिलना मत, सॉरी भगवान, दो मिनट इन दोनों से निपट लूं, बाद में आपको लेके चलता हूं आराम से। अभी चले? हाँ चलो। बस आप ही बताइए क्या किया जाए इन दोनों के साथ। इन दोनों को ऐसी मौत मारो चावला की मौत भी कांप उठे। मुझे माफ कर दो बॉस, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं आपकी गैंग में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लो, चोर से डाकू बना दो, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे नौकरी दे दो। मार पीछा मार, इसकी हैबिटेट चले भगवान कृष्ण जी के मंदिर में। ये मल्लू तो तू कौन? मैं कल्लू। कल्लू को क्या किया तूने? पहले बोलने क्या है, मुंह से बोलने की किधर भी मारते। बाबा
चलेगा, एकदम संभालना, घूमते रहो बस। जान बच्ची, गया रे बाबा, गया गया, थोड़ा बैठ जाओ, हवा लगने दो बाबा। आया आया, पकड़ रे पकड़, ये छोड़ना नहीं, अरे इधर से उधर से, चलो चलो फिर आया भाई, खोलना नहीं खोलना नहीं, बिल्कुल खोलना नहीं। साहब आप तमाम सबूतों और गवाहों को मानते हुए यह अदालत मुजरिम के खन्ना को उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है और अपनी जान पर खेलकर ऐसे देशद्रोही को बेनकाब करने वाले विजय कुमार और राजवीर शर्मा को बाइज्जत बरी करती है और एसीपी सुशांत सिंह की स्पेशल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अदालत सरकार से सिफारिश करती है कि विजय और राजवीर जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को सीबीआई में जगह दी जाए। थैंक यू वेरी मच एसीपी साहब, आपने हमारी बहुत मदद की सर। तुम लोग दिल के अच्छे लगे थे इसलिए दूसरा मौका सबको नहीं मिलता जिंदगी में, संभाल के। जी नमस्ते सर। देखा तुझे वार्निंग देके गए हैं, मुझे नहीं। चले डांस बार। डैड, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया, पर अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूं, विजय से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। गो, जाओ। चलिए, कृष्ण जी की कृपा से बच गए, अब कभी चोरी वोरी नहीं करेंगे विजय। अरे पूजा, आई एम सॉरी विजय।
नीलोफर उर्फ नीलू रेडियो जॉकी, सारी मुंबई इनकी आवाज की दीवानी। और ये है चित्रंजन उर्फ चिंकी, कॉल सेंटर में काम करती। और ये है पार्वती उर्फ पारो, पटना से MBA का कोर्स करके मुंबई जॉब की तलाश में आई। अब लीजिए इनसे मिलिए। ये है सतनाम कौर उर्फ शन्नो, अमृतसर पंजाब की सिंघनी जो बनना चाहती है हीरोइन। यूं तो चारों के अपने अपने सपने हैं, अगर कुछ नहीं है तो वो है रहने के लिए घर, बिग बी। चलिए उन्हीं से मिलते हैं। अबो मैडम आइए ना, आइए बैठिए बैठिए, इनको घर चाहिए। मिल जाएगा, बैठिए। क्या बजट है आप लोगों का? यही कोई 8-10। अरे 8-10 में तो बंगला दिलवा देंगे। वाओ हाँ मेहता साहब, अरे भाई कोई बंगला बंगला दिलवाइए। अरे लोखंड वाला जू कहीं भी चलेगा, बहुत बड़ी पार्टी है। 10 का बजट है, 10 करोड़। 10 करोड़? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हमें घर खरीदना नहीं है, भाड़े पर चाहिए, वो भी 10 करोड़ नहीं, 10,000 में। हाँ तो पहले बोलना चाहिए था ना यार, इधर डील फाइनल कर दिया। अरे मेहता साहब डील कैंसिल, आप लोग भी ना यार। अरे भाई साहब इसमें हमारी क्या गलती है? हमने आपको कब कहा कि हमें घर खरीदना है? अब आप खुद ही डील पक्की करेंगे और कैंसिल करेंगे तो इसमें हम क्या करें? अब आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, हमें एक रूम चाहिए और वो भी फर्निश, जिसमें हम चारों लड़कियां रह सके। समझ में आया आपको? मिल जाएगा, एकदम रेडी है। लेकिन कहाँ? लोखंड वाला के पीछे, व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस? बोला था ना तेरे को, बातें पूरे महीने, 15 तारीख को सिर्फ पैसे। चल घंटी ले। ये है बोमिकेश मुखर्जी और इनकी पत्नी पांचाली। पांचाली उनसे उम्र में भी आधी है और अकल में भी। दादा हैं LIC एजेंट, इसलिए उन्हें इंश्योरेंस के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी पांचाली भी जिसका खामियाजा उन्हें अपनी पत्नी पांचाली के साथ सुबह शाम झगड़ा करके चुकाना पड़ता है। झगड़ा करते हैं ये दोनों और ऐश करती है पूरी चौल जी नहीं, आगे नहीं बताऊंगा, आगे की कुछ खेल कुछ मस्ती आप खुद ही देख लीजिए। आज तो पैसा लेके जाऊंगा, समझ गया तू? क्या नाटक कर रहे रोज का? नमस्ते ताई। पुष्पा काय को इसके साथ मगजमारी कर रही है? नमस्ते मौसी। नमस्ते। अरे तुम सब एक साथ, बंटा इनके बैठने का इंतजाम कर। जी ताई। अरे मौसी ये सब छोड़ो, हमें हमारे पैसे दे दो, और भी हजार काम पड़े हैं। अरे मना किया क्या कभी, देती नहीं क्या? पर मौसी तुम देती भी नहीं हो, मना भी नहीं करती हो, कब तक घुमाती रहोगी आखिर? क्यों भाई भाग गई क्या मैं कहीं? व्हाइट हाउस की मालकिन हूँ, व्हाइट हाउस की, कोई यारी गरी नहीं हूँ। ताई क्या कर रही हो, कितने दिन हो गए? कुछ ध्यान करो, पिताजी आते थे, अब मैं आ रहा हूँ, बच्चे का कुछ ख्याल करो ताई। ताई फोन दुबई से। अरे भाईजान सलाम अलैकुम। क्या बात है भाईजान, मौसी को भूल गए एकदम? नहीं नहीं अब कहाँ, अब तो बुढ़ापे की शुरुआत है भाईजान। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि बच्चे ठीक हैं? हाँ ताई। अरे हाँ वो भूरा के बारे में सुना तो बड़ा दुख हुआ। कौन लाला? अरे हाँ एकदम बढ़िया है, बड़ा अच्छा आदमी है। जुम्मन भाई, अरे क्या बात है, आपके बारे में पूछ रहे थे, बहुत ईमानदार आदमी है। राजेश ज्वेलर, बस भाई जब से गया है बेचारे का बेटा, हाँ वो ही आता है वसूली के लिए। नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल जी, नहीं बस बस सलाम अलैकुम जी, खुदा हाफिज़।
भाग गए ताई, आपके दिमाग का भी जवाब नहीं। ताई ग्रेट। देखी मुन्ना भाई की एक्टिंग। हाँ भागे, क्या हाल है बेटा? बस अब ठीक ठाक, मेहरबानी है आपकी। देखे वो अपने 8 नंबर की खोली है ना, उसके लिए किराएदार हैं लड़के, अच्छे लड़के हैं। नमस्ते, हेलो। ठीक तो है ना सब? हाँ सब बढ़िया है, एक रेडियो में काम करती है और बाकी कुछ, बाकी सब देख लेंगे। अरे बेटा तो हम दिखा दें। हाँ हाँ, व्हाइट हाउस तेरा ही है, जा ले जा दिखा। प्रणाम, आइए आइए, जा बेटा। चलिए चलिए चलिए। वो क्या है कि लड़कियां बहुत अच्छी है। आइए मैडम, देखिए ये व्हाइट हाउस का सबसे जो है एंटीक कमरा है। एंटीक क्या? एंटीक उसका बना है इसीलिए। लग ही रहा है। लग रहा मतलब 100 साल पुराना कमरा है मैडम, 100 साल, समझती हैं आप? 100 साल। ये दीवार पिछले 100 साल से खड़ी है और सामने वाली दीवार को लगातार देख रही है लेकिन बात नहीं होती। अरे बाजू वाली दीवार लगातार 100 साल से यही खड़ी है और सामने वाली दीवार को देख रही लेकिन बात नहीं होती। अरे बात नहीं होती तो क्या बात नहीं हुई? बात कर रहे हैं आप, हटिए जरा। अब सोफे से होता हुआ ये रास्ता सीधा गया, देखिए किचन। हाँ जी, ये किचन, ये देखिए जाम रखा है, गैस है, गैस का चूल्हा है नीचे, और बगल में है बाथरूम, बाथरूम में नल भी है, किचन में भी है लेकिन पानी एक ही माता है। या यहाँ कर लो या वहाँ कर लो, कुल्ला क्या है, चाल में एक ही बार पानी आता है सुबह 4 बजे, भल लिया तो भल लिया, नहीं तो कुल्ला कर लिया, करेक्ट है। और क्या है, चौल में पानी लेने देने की प्रथा कतई नहीं। और देखिए यहाँ से अगर खड़े हैं आप यहाँ पर और आपने एक सर्कुलर मूवमेंट लिया ये, तो सीधे आप आ गए डॉग रूम। हाँ है कि नहीं? अब आप पूछेंगे कि बेडरूम कहाँ है, तो पूछिए कहाँ है। ये रहा बेडरूम। क्या है कि ये 1 बेडरूम सेट है, इसीलिए सेट है। हाँ? ये देख रहे हैं ना, ये टेबल देख रहे हैं आप? खैर छोड़िए, टेबल को छोड़िए, ये गुलदस्ता देख रहे हैं आप, फ्लावर पॉट। अच्छा बताइए कितने साल पुराना होगा? 100 साल। गलत जवाब। आप बताइए। कोई 110। बिल्कुल गलत, 105 साल पुराना है। हा? क्या है, बहुत बड़े अंग्रेज ने गिफ्ट दिया था ये हमारे मकान मालिक को, और देखिए आज कैसा चमचमा रहा है। हा? अच्छा ये बताइए, फूल 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 देख रहे हैं आप? अंदाजा लगाइए कितने साल पुराना होगा। अब गुलदस्ते के हिसाब से तो 115 साल। गलत जवाब। सुबह ही ताजा माली ने तोड़ कर लगाया, सुगे। खैर अभी देखिए, अब यहाँ से अगर हम सीधे निकल जाएं इस तरफ, मतलब स्ट्रेट सीधे यूं चले जाएं, तो सीधा ये रास्ता जाता है खिड़की पर और सामने ही सूरज भगवान। सुबह सुबह दिल में हो मन्नत, हाथ में लोटा हो पानी का, तो समझो आपकी मन्नत पूरी हो गई। और आप लोगों की मन्नत तो वैसे ही पूरी हो गई, ये कमरा जो मिल गया आपको, बड़ी किस्मत वाले हैं। तो फिर डील फाइनल है? यस फाइनल, बिल्कुल फाइनल है। चलिए पढ़ा। अरे अरे नहीं, आपको नहीं कर रहे हैं भाई, क्या है आपके भाग से कमरे के दर्शन हो गए। प्रणाम प्रणाम। ओ पागवाने, आज मैं मछली लेके आना, मेरा मछली खाने का मूड है। छोड़ो जी, आज मछली वच्ची नहीं खानी, छोड़ो जी। ओ नहीं नहीं, पापलेट बड़ी चंगी है, मैं लाके आना। छोड़ो जी छोड़ो, मछली कमाल की मछली है। आ गई कलमू ही खसमा नु खानी। चल चल चल, मछली सारा की सारी खरीदते हैं। मछली हां हां, चल 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 चल। चलो तो भाई जो है, हाँ उसे जाके तू पैसे ले आना, और वो जो ताई अर्जेंट काम आया। अरे कोई तूफान आ गया क्या? अरे तूफान नहीं, तूफान की मामी सुनामी, वो मच्छी वाली टीना। ए टीना सुनना, मेरे को तू पापलेट दे देना 100 की, कुमारा हूँ मैं। अच्छा ए टीना, मुझे तो तू अपनी सारी मछली दे दे। अरे नगद लूंगा। और मुझे तो ऐसे ही दे दो मछली। ए टीना टीना टीना, 50 रुपए देगी क्या? क्या मछली मछली साला, हो गया सबका। अरे नहीं हुआ ना, मेरे को थोड़ा सा जास्ती। अच्छा तो तेरे को ये कम पड़ गया क्या? ये ले तेरे को जास्ती दियो।
ए, रबे। आई शपथ, आज तक ना तो ऐसी मच्छी देखी ना ऐसी मच्छी वाली। चलो चलो चलो, सब मछलियाँ बिक गए हैं। अरे चलो निकल लो ना, दो बच गई, तुम ही तल लो। बस तू चल बे ओ। अरे क्या यार, अच्छी भी नहीं देखने को। ए बागे भाई, एक बात बताओ यार, सारी मछलियाँ बिक चुकी तो रात को चखने में मैं क्या खाऊंगा? मैं आऊंगा सपने में चखने में। तोड़ रहे। चल ए बागे, आना सपने में। कैसी हैं टीना जी? मतलब बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आसुदे आसुदे, तू भी बड़ा दिसता छैला। सच्ची फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहे हैं आप? के दे रहे, अब अपनों के साथ काई की फॉर्मेलिटी? हम अपने सच्ची मुच्ची पैक कर दो। की दे रहे मच्छी मच्छी। ये गे क्या मासोली? ये आनी किधर है? गे हाँ जाता निकल लो। ये नाटक पता नहीं कब खत्म होगा। बाय। देखिए जाना भी कितना को। हेलो मैडम, तनख्वाह आप सोने की लेते हैं या काम करने की? सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा मैडम, ये एक प्राइवेट सेक्टर जॉब है, कोई सरकारी ऑफिस नहीं, समझिए आप। यहाँ जितना पैसा मिलता है उससे कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। एनीवे मैं समझता हूँ ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा, समझिए आप। हाँ काम कीजिए। ओके। सर मैं कमेंट आप आ चुके, बोलिए किसी भी टॉपिक पे बोलिए। नहीं सर, हम तो वो रेडियो पे। देखिए आप घबराइए मत, ये रेडियो जॉकी का जॉब है, यहाँ पर बिंदास होकर आप बोलिए, आपके जो दिल में आए वो अपनी जुबान पे लेके आइए, बोलिए। नहीं सर, घबराने की तो कोई बात नहीं सर, जूता तो मतलब आदमी की जिंदगी में बहुत महत्व रखता है सर। जूते? इंटरेस्टिंग। जूता नहीं हो आपके पैर में तो आपकी तो कोई औकात ही नहीं रह जाती। आप गर्मी में चले जाइए बिना जूता पहने, पैरों में छाले पड़ जाते हैं हमसे पूछिए सर। बारिश में चले जाइए बिना जूते के तो पूरे पैर कीचड़ में सन जाते हैं सर। मतलब मैं तो कहता हूँ सर के मतलब जूता आदमी के लिए बना है और आदमी जूते के लिए बना है। सूट हो आपने पहना हुआ और बूट ना हो तो सूट की वैल्यू भी दो पैसे की रह जाती है सर। खेल के मैदान में जूता नहीं पहन के जाइए तो चोट लग जाती है और मंदिर में पहन के जाइए तो पाप लगता है। बड़े बड़े लोग ना सर आदमी की काबिलियत उसके जूते से नापते हैं सर। एक एग्जांपल याद आया सर, सर आपने धड़कन पिक्चर देखी होगी तो उसमें सुनील शेट्टी के जूते में अगर छेद नहीं होता तो उसकी शादी कोई रोक ही नहीं सकता था शिल्पा शेट्टी से, है ना सर? सर मतलब शादी कोई उसकी रोक नहीं सकता था, तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं बस कि मतलब आदमी को अपने जूतों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और उसको मतलब बिल्कुल पॉलिश वॉलिश करके चमचमाता हुआ रखना चाहिए सर, और ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी में ना भीग जाए, बस यही कहना था। गुड गुड गुड, आई लव्ड इट मैन। कम हियर, इधर आओ। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन? यस, कल से आ जाओ। थैंक यू। बन गई लाइफ। लाइफ तो मैं बना ही दूंगा, श्री देवी को ले लीजिए या माधुरी को, ऐश हो या रानी, सबकी लाइफ मैंने ही बनाई है। सुभाष जी हो या यश जी, रामू जी हो या संजय जी, जब भी कोई फिल्म बनाते हैं ना कास्टिंग में ही करता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो वो दिन दूर नहीं जब हर मल्टीप्लेक्स में तुम्हारी फिल्म लगी होगी और भीड़ शन्नो शन्नो कह के तुम्हारे पीछे दौड़ रही होगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं हूं ना। आदमी को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है।
कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज। मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं ड्रेसेस भी अपने घर से लेकर आऊंगी। मैं टाइम से पहले शूट पर पहुंचूंगी और सेट पर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। मैं हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। नो बेबी नो, इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज किसी और तरीके से होता है। यहाँ प्रोड्यूसर को खुश करना पड़ता है। जी मैं तैयार हूँ। मैं प्रोड्यूसर को अच्छे अच्छे जोक सुनाऊंगी, उनके साथ सेट पर बैठूंगी, उनसे मीठी मीठी बातें करूंगी। मैं प्रोड्यूसर को हर तरीके से खुश रखूंगी। बस आप मुझे एक मौका दिला दीजिए और फिर देखना मैं कैसे बड़ी बड़ी हीरोइनों की छुट्टी करती हूँ। फिर आप भी ऐश्वर्या, रानी, माधुरी और श्रीदेवी की तरह मेरा भी नाम लिया करेंगे। मैं जानता हूँ बेबी कि तुम्हें वो हर बात है जो एक हीरोइन में होनी चाहिए। तुम मासूम हो, खूबसूरत हो, दिलकश हो, लेकिन यार दिमाग नहीं, खूबसूरती बेची जाती है। प्रोड्यूसर को है ना दिमाग की नहीं जिस्म की खूबसूरती पसंद। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुमने प्रोड्यूसर की एक रात रंगीन कर दी ना तो तुम्हारी सारी रात रंगीन हो जाएगी। आप बिजनेस मैनेजर हैं या दलाल? आइंदा अगर अपनी शक्ल दिखाई तो जान से मार दूंगी। देखिए आप मुझे गलत समझ रही है। एक्चुअली मैं तुम्हारा सब मतलब समझ गई हूँ। आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। कैसे दिखाई मत देना सर, ये मेरा काम है। मैं एक एमआर हूँ सर, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। देखिए सर, ये जो मेरा तेल है ये गंजापन दूर करता है और सर ये मार्केट में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। सर इसका नाम ऐसे ही उगजा सिमसिम नहीं है। देखिए सर, जब आप इसको अपने सर पर लगाते हैं तो ये सर की जड़ों को खोल देता है और सर उसमें से नए 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 बाल उगाते हैं। अब देखिए सर, आप इसे एक बार पुश करके देखिए। आई एम श्योर सर, आपके ग्राहक ने इसे एक बार सर पे लगाया ताकि जो रह सह बाल हैं वो भी गायब हो जाए। नहीं सर, देखिए सर आप मेरा मतलब नहीं समझ रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ। अरे जब इस डब्बे के ऊपर बैठे गंजे के सर पर आज तक एक भी बाल नहीं होगा तो ग्राहकों के सर पर क्या खाक होगा? नहीं सर, देखिए सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, मैं अभी आपका कंफ्यूजन एकदम दूर कर दूंगा। देखिए सर, ये जो आप डब्बे पर फोटो देख रहे हैं ना सर, ये हमारे मालिक के दादा की। इनफैक्ट सर आप ये कहिए कि उनके भी दादा के दादा के दादा की। इनफैक्ट सर ये उनके भी दादा के परदादा की फोटो है सर। बेटा कंफ्यूज मैं नहीं, कंफ्यूज तुम हो रहे हो। नहीं नहीं सर, देखिए आप अभी भी नहीं समझ रहे। सर क्या है, ये जो हमारे मालिक है ये खानदानी गंजे हैं और इनकी पीढ़ी में आगे चलकर कोई भी गंजा पैदा ना हो इसलिए उन्होंने इस खूबसूरत से तेल का निर्माण किया है। उगजा सिमसिम। बस अब अगर एक शब्द भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये पकड़ अपना सड़ा हुआ तेल और सड़ा हुआ थैला, निकल ले पतली गली से 11 नंबर की बस पकड़ के। आइंदा इधर नजर मत आना और अगर नजर आ गया तो तेरे पीछे कुत्ते छुड़वा दूंगा और वो भी पागल। पागल हो जाऊंगा मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। देखिए सर आप प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम मेरी मार्केटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी कंपनी का ये लोगो। सर आपके दादाजी मेरे काम में बहुत बड़ा रोड़ा बन गए हैं सर। सर आप एक आइडिया मानिए, आप अपने दादाजी को भी अपनी तरह एक विग पहना दीजिए ना सर प्लीज, तो मैं मार्केट में सारा माल ऐसे भर दूंगा सर कि कोई दूसरा प्रोडक्ट नजर ही नहीं आएगा सर। चुप चुप, क्या चाहते हो तुम? सर मैं तो मैं अपने महान दादाजी की डिग्निटी को खत्म कर दूं। नहीं सर, उनकी पहचान को मिटा दूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो और एक हफ्ते के अंदर मुझे रिजल्ट आकर दो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम अपनी गंदी मनहूस बदसूरत शक्ल लेकर दोबारा मेरे पास मत आना। आउट जी, आउट आउट। Thank you.
हेलो, मेरा नाम सलमान बेग है और सलू हैदराबाद का हूँ और हीरो बनूंगा। मेरा नाम पारो है, मैं पटना से एमबीए करके मुंबई जॉब की तलाश में आई हूँ। किस तरीके का जॉब चाहती हैं आप? मार्केटिंग। अरे ये तो आसान है, मेरा दोस्त राजा वो भी मार्केटिंग में है, वो भी तो एमबीए कर चुका है, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। ओह वाओ, प्लीज़ आप उनसे मेरे लिए बात कीजिए। और मेरी फ्रेंड है शनू, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, क्या आप उसकी भी मदद कर सकते हैं? अरे मदद, आप शर्मिंदा मत कीजिए, वैसे हमारे काफ़ी बड़े लोगों से मेलजोल हैं, बातचीत चला लेंगे। आप टेंशन मत लेना, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। वैसे आपके साथ और कौन कौन है? हम चार, नीलू, चिंकी, शनू और मैं। नीलू रेडियो जॉकी है, चिंकी कॉल सेंटर में काम करती है, शनू और मैं दोनों स्ट्रगलर्स। एक्चुअली हम दोनों का खर्चा वही उठाते हैं। अरे ये तो सेम बात हुई ना, मेरा दोस्त राजा वो भी मेरा सारा खर्चा उठाता है। बेचारा अच्छा लड़का है। वैसे मैं आपकी बात करूंगा उससे और शनू की भी, सब ठीक हो जाएगा। आप कभी घर पे आइए ना, एक कप चाय पीते हैं। हम सब ही आएंगे, एक दिन टाइम निकाल के सब एक साथ आपके घर में आएंगे। ओके। अब मैं चलूं, बाय बाय। बाय। पता है आज सवेरे मैंने एक आदमी को थप्पड़ जमा दिया, खुद को बिजनेस मैनेजर बोल रहा था, ब्लडी पिंप। पता है प्रोड्यूसर का बिस्तर गरम करने की बात कर रहा था, मैंने साले को एक खींच कर उसका गाली गरम कर दिया। बिल्कुल ठीक किया तूने। तूने उसका गाल गरम कर दिया और मेरे बॉस ने ना मुझे। फिर वही रॉकी का सपना? हाँ यार, वही दिल के हाथों मजबूर होना। तो फिर इजहारे मोहब्बत क्यों नहीं कर लेती? वही तो, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। सुनो 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 गर्ल्स, आज मैं भी एक अजीब कैरेक्टर से मिली। आया था तो वो इंटरव्यू देने, लेकिन मेरा दिल लेके चला गया। बाप बेटा, तू भी लग गई लाइन पे। पर जिसने तेरा दिल चुराया है वो कोई ऑर्डिनरी लड़का तो होगा नहीं, जरूर कोई अजूबा ही होगा। वो तो नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी उसका एक एक शब्द मेरे कानों में गुंज रहा है। बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, रोज रोज ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा और क्यों नहीं चलेगा? खाली नहीं बैठा हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ। ये भी तो काम ही है ना, फिर ये क्यों नहीं करते हो? देखो पांचली, परेशान मत करो, दो तीन फॉर्म बचे हैं, भर लेने दो, फिर बात करूंगा। उसके बाद भी सिर्फ बात करोगे? उड़े बाबा रे। तुम क्या चाहती हो, पूरा दिन तुम्हारे साथ बैठा रहूं? तुम मेरे पास 5 मिनट बैठोगे तो मेरे लिए बहुत होगा, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन मुझे पता है तुम 5 मिनट तो क्या, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते। देखो पांचाली, मुझे चैलेंज मत करो, कह देता हूँ बहुत बुरा होगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। काली माँ ही जाने तुम्हें कब गुस्सा आएगा, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। Hmm? Hmm?
बताओ। संभाल के फ्रेम ला, फ्रेम ला। What funny? Yes. बन गई बात। कौन सी बात? अरे बात ही कुछ ऐसी है डार्लिंग, तू सुनेगी, जमीन झूमने और आसमान गाने लगेगा। क्यों, तेरी शादी होने वाली है क्या? मुझे शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर किस में इंटरेस्ट है तेरा? मुझे तो इंटरेस्ट है मौज मस्ती में। मौज मस्ती में? हाँ, अगर हम बोमिकेश दादा को थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा हैरान करके उनकी लाइफ को चेंज कर दें, तो क्या कोई गलती होगी? पहले बुझाना छोड़ और साफ साफ बता। तो सुनो, अगर हम इसी तरह रोज इनकी बातें सुनकर एक कागज पर लिख के इनके दरवाजे पे लगा दें, तो आप लोगों को नहीं लगता इनके दुनिया में एक तूफान आ जाएगा? और ये रोज के झगड़े छोड़ के कमरे में शान दिखाई देंगे, हमारे लाइफ में एक ट्विस्ट आ जाएगा और हम एंजॉय करेंगे। कम ऑन पारो, पागल मत बन। हमारे एंजॉयमेंट के लिए किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। क्यों गर्ल्स? कूल बेबी कूल, हम किसी को सता नहीं रहे, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। क्या नीलू, तुम भी बात को पकड़ लेती हो। अब तुम दोनों तो काम पर चली जाती हो, हमसे पूछ हम ये पहाड़ जैसा दिन कैसे काटते हैं। और इसमें बुराई ही क्या है, इसी बहाने कुछ हंसी मजाक ही कर लिया करेंगे, राइट? राइट। इसमें टेंशन की क्या बात है, नीलू ये दोनों ठीक ही तो कह रही है। अगर लाइफ में कोई ट्विस्ट ना हो, मौज मस्ती ना हो, तो जीने का क्या फायदा? कम ऑन बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। कम ऑन, व्हाट रबिश। कर लो सारी चौल को इकट्ठा। क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? रूम खाली करने का नोटिस मिला है क्या? नोटिस नहीं मिला है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है, वो भी तुम दावे जैसे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट? तुम्हारा कोई कैरेक्टर है जो तुम्हें कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा? देखो फालतू बात मत करो। इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और तुम जानती हो एक पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे बाबा, ऐसी कौन सी आग लग गई है जो धू धू करके जल रहे हो? जल नहीं रहा हूँ, शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। और तुम सुनोगी तो तुम भी डूब मरोगी। तो सुनाओ ना, क्यों पटर पटर किए जा रहे हो? हम तेरे जैसा बेशरम नहीं हूँ जो अपनी जोबान को गंदा करूँ। लो खुद पढ़ लो। लाओ लो दो। क्यों बड़ाऊ, जिंदगी पर इंश्योरेंस ही करोगे या कुछ और भी करोगे? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो बीवी भाग जाएगी, समझे? तुम शोर ज्यादा करते हो और काम कम। आइंदा काम ज्यादा किया करो और शोर कम, नहीं तो अगला लेटर दूसरे के दरवाजे पर होगा, वो भी तुम्हारे नाम से, भो मी केश दादा, हा हा हा। अरे ठीक ही तो लिखा है। अरे बेवकूफ औरत, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या?
कभी तो अकल से काम लिया कर। हमें कोई देख रहा है, सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। वैसे भी बेवकूफ को कोई क्या बेवकूफ बनाएगा। मैं तुम लोग को अब भी कहती हूँ, ये बेहुदा खेल खेलना बंद कर दो, वरना कह देती हूँ ये खेल तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा है तो कंसेशन करवा लेंगे, तू काहे को टेंशन लेती है। हाँ ये खूबसूरती, ये जिस्म, ये अदाएं सभी उसी दिन के लिए तो संभाल के रखी है। कम ऑन नीलू, एंजॉय योरसेल्फ, वी आर फ्रेंड्स। हम लोग आपस में मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कल किसने देखा है कल हम लोग साथ में रहे या ना रहे। लुक, मैं तुम लोग के खिलाफ नहीं हूँ यार, मैं खिलाफ हूँ तो इस बेहुदा मजाक के जो तुम लोग कर रहे हो। मैं तो बस आने वाली मुसीबत से तुम लोगों को आगाह कर रही हूँ। ठीक है मेरी जान, तू जो कहेगी हम वही करेंगे। अब तो जल्दी जल्दी निकल, ऑफिस का टाइम हो रहा है। टेक केयर गर्ल्स, बाय। ओ शिश, माय फुट। एक साल से देख रहा हूँ, एक साल से तुमको कोशिश करते हुए ही तो देख रहा हूँ। और कर क्या रहे हो, और नतीजा क्या निकला? सिफर। कोशिश करने से कंपनी नहीं चलती है, कंपनी चलती है रिजल्ट से, और वो तो तुमने आज तक कभी मुझे दिया ही नहीं। अरे तुम्हारी बेवकूफी और नाकार पने से तंग आकर, मजबूर होकर मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक लड़की का अपॉइंटमेंट करना पड़ा। अभी आती होगी वो, उसके साथ बैठ के स्ट्रेटेजी तैयार करो, और अगर एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट न निकला तो तुम समझ लो अपना बोरिया बिस्तर बांध के सीधे मेरठ की तरफ प्रस्थान कर जाना, समझे? जी सर। सर प्लीज मैं कम इन। ओ कम इन, कम इन, बैठिए, टेक योर सीट। थैंक यू सर। मेरा बायोडाटा? नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, तुम्हारे मेल पे सब देख लिया है, बहुत हाँ। अच्छा है। बाय द वे मिस पार्वती, राइट, ये हैं आपके सीनियर कलीग मिस्टर राजा। हेलो राजा, तुम इनको अपनी कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझा देना, पूरा डिटेल के साथ। जी सर। और मैंने जो कुछ भी कहा है उसको अच्छी तरह से याद रखना, और खासतौर से वो मेरठ वाली बात मत भूलना। नाउ गेट। शैल वी? या श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू पार्वती। किस बात का? अरे तुमने मुझे बॉस के सामने पहचाना जो नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। देखो अगर तुम मुझे बॉस के सामने पहचान लेती ना तो वो तुम्हें तो नौकरी देता ही देता नहीं, साथ में मुझे भी नौकरी से निकाल देता। लेकिन क्यों? अरे अभी तुम नई हो ना, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमारा जो बॉस है ना वो हिटलर है, हिटलर। पर तुम तो इस कंपनी में एक साल से काम कर रहे हो, तो ये प्रोडक्ट मार्केट पकड़ा क्यों नहीं? कैसे पकड़ेगा बताओ? देखो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लोगो देखो, देखो तुम, ये हमारे बॉस के, दादा के, इनफैक्ट दादा के भी परदादा के भी परदादा का फोटो। आई डोंट नो उनको भी पता है नहीं कि किसका फोटो। तुम हंसो मत, अभी तुम्हारी भी बारी आएगी। हमारा ये प्रोडक्ट कहने को तो हेयर इम्प्रूवमेंट ऑयल है, पर इसको देखकर लगता है कि हेयर रिमूवर ऑयल है। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आई रियली होप सो। इट विल। चंकी तुमने न जाने क्या जादू कर दिया है, अब ना नींद आती है और ना चैन। मेरी भी कुछ ऐसी हालत है, दिल शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। जिस दिन से तुमसे मिली हूँ ना, बेचैनी ने दिल में घर सा बना लिया। चंकी मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है, सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हें क्यों दिखाई दे रही है। सच? हाँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं भी जब से तुम्हें देखा है मुझे यही महसूस हो रहा है कि भगवान ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया है, और अब तो एक पल भी मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। दूर हो हमारे दुश्मन, हमने तो अब तक एक दूसरे को जी भर के देखा भी नहीं, तो दूर होने का सवाल कहाँ पैदा होता है। हमने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। चोरी तो तुमने की है ना पारो, मेरा दिल जो चुराया है तुमने।
मेरी नींद चुरा लिया पारो। पूरी बाबा। अरे क्या हुआ? ना ना किछु ना किछु ना किछु ना। कुछ तो है, पहले तो आप कभी इतने परेशान नहीं दिखे। ना किछु ना है, वो तुमको तो पता ही है साल का आखिरी चल रहा है। एक तो काम का टेंशन और ऊपर से रोज रोज ये वाहियात किस्म की चिट्ठियों का आना, और अब जे हमरा जान को एक और आफत आ गया है। आफत? हाँ। कौन सी आफत? पंकज को जानती हो? हाँ, वो ही ना, वो जो सीमेंट वाला। हाँ, पंकज जैन। हाँ, हाँ। हाँ। अरे हाँ, वो तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अरे बहुत अच्छा दोस्त है, जे तो परेशानी का कारण है। हाँ। अरे बाबा, परेशानी का कारण क्या है वो तो बताओ। पंकज हमरा यहाँ 1 करोड़ रुपया रखना चाहता है। 1 करोड़? और हमरा यहाँ तुमको तो पता ही है 1 करोड़ रखने का मतलब है खुदकुशी करना, सुसाइड। इसलिए हम मान बना लिया है कि वो आएगा तो हम उसको साफ मना कर देगा। और ये क्या हुआ? करोड़? अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। जाओ जाओ, 1 करोड़ आया है। पंकज, पंकज। अरे जाओ ना बाबा, जाओ। 1 करोड़? आओ पंकज। अश्विन, अश्विन भाभी जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? दादा, ये रहा 1 करोड़ रुपया। ए पंकज दादा, हम तुमरा जे रुपया उड़ी बाबा नहीं रख पाएंगे। कैसी बात कर रहे हो दादा? नहीं नहीं, देखो पंकज, तुम तो जानते हो मुंबई में चौल का हालत क्या है आजकल। आई एम सॉरी। प्लीज दादा। पंकज प्लीज दादा, प्लीज दादा, दादा। कहीं पहुंच चले? देखिए अभी आप पैसे रख लीजिए, और ये आपके बहुत पुराने मित्र हैं, और ना जाने साल में कितने इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस दादा। और अगर आपने इनको अभी ना कर दिया ना, तो आपके इतने अच्छे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। दादा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके इतने अच्छे रिलेशन उनसे खराब हो जाए। आगे आपकी मर्जी। अरे दादा भूमिकेश, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? इतना क्यों सोच रहे हैं? अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा और है कौन? बस सिर्फ 5 दिन की तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगा और पैसा ले लूंगा बस। अगर तुम इतनी इज्जत करते हो तो ठीक है, मैं रोक लेता हूँ। हाँ दादा, ये पकड़ो। बुड़ी बाबा, बुड़ी बाबा। लेकिन सिर्फ 2 दिन? नहीं नहीं नहीं, 5 दिन, 5 दिन, 5, 5। नहीं नहीं, 2 दिन भाभी, 5 दिन, 5 दिन, 5, 5, 5, 5, 5, 5। अच्छा ठीक है, लेकिन 5वें दिन में अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे घर में वापस कर दूंगा मैं ये रुपया। फिर तुम तो चाहे बुरा मानो या भोला। अरे दादा धन्यवाद, दादा डार्लिंग, दादा डार्लिंग। चलो संभालो, देखो तुम्हारे कहने से मैंने जे रुपये रोक लिए हैं, अब तुम्हें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। बुढ़ी बाबा, अब इसकी रखवाली ऐसे करनी पड़ेगी जैसे सांप अपनी मौरी की काटता है। आप टेंशन मत लो, मैं इसकी रखवाली अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी, ठीक है? ठीक से रख दिए ना? हाँ रख दिया। लॉक कर दिया ना? ओफो, उसी के अंदर घुस जाओ ना। ताजा मच्छी लाई है वही कल की बच्ची कुची। हाय हाय देव अच्छियान, काय बयो अब तक ऐसा किया जो अब करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, दो तो दे, तो ये वाला एक बड़ा। हाँ। पांचाली
मुझे तो तुम्हारे चेहरे पे रोजाना जैसी रौनक नजर नहीं आती। क्या बात है? वाकई पांचाली जी बड़ी परेशान लग रही है आज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भयो, टेंशन नहीं लेने का क्या? ये माजी माजोड़ी घून जा, मस्त पैकी बना और दादा को खिला, और फिर देख कैसा टेंशन आवा होता है। अच्छा लेना, पैसे कल ले लेना। चल चल ठीक है। अरे क्या हुआ? अरे क्या बताऊं क्या हुआ? एक तो पहले इतना सारा प्रॉब्लम था, अब जे नई मुसीबत गोले पड़ गई। मुसीबत? कौन सी मुसीबत? क्या पंकज जी नहीं मिले क्या? पंकज ने हमको धोखा दिया। धोखा? हाँ, 5 दिन का कह के 1 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया चला गया। तुमको तो पता है इस जगह पे 1 करोड़ रुपया 1 महीने के लिए संभालना कितना मुश्किल है। आप टेंशन मत लो, मैं घर पर ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, उस पैसे की अच्छी तरह से रखवाली करूंगी। कुछ बातों में ना चाहते हुए भी टेंशन लेना पड़ता है। अब 1-2 लाख का बात होता तो बात समझ में आता था, ये तो 1 करोड़ का मामला है। अगर कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएगा। इधर आओ, इधर आओ, आओ आराम से इधर बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ, दोनों मिलकर चाय पीते हैं। देखो सब छोड़, आज वैसे भी मौसम कितना अच्छा है, क्यों है ना? हम समझ गया, तुम मेरा टेंशन दूर करने के लिए ये बात कर रहे ना? नहीं, जबकि तुम खुद टेंशन में है, मुझे मालूम है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ वो पैसों से भरा हुआ बैग कहाँ रखा है? उसको कहीं सेफ जगह पर रोक देते हैं। और नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था कि वो जो हमारे एक दोस्त है ना मेहता जी, सारा पैसा उनके यहाँ रखाते हैं। हाँ ठीक है, लाओ बैग लाओ। ठीक है। अजी बैग यहाँ नहीं है। की बोल जी? नहीं। कहाँ है? तुमने कहाँ रखा था? मैंने तो यही रखा था। अरे रखा था तो जाएगा कहाँ? ठीक से देखो। सब देख चुकी हूँ, यहाँ बैग नहीं है। अरे क्या बात कर रही हो तुम? अरे ने, जिस बात का डर था वो ही हो गया। ओए बाबा, हमें माज बात नहीं खा पे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, ऐसे कैसे चलेगा? काकर, अलग से नीचे ने वाला उतरते ही नहीं, पता नहीं भगवान कौन सा गुनाह की सजा देगा। अरे 2 दिन और देख लो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बॉस, अब और सब्र ना हो बे, अब और इंतजार नहीं करेगा, सुबह होते पुलिस कॉम्प्लेंट करेगा। मुझे तो चौल वालों पर शौक है, ये काम किसी और का हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा शौक तो मुझे चंपक शंपक और हंसमुख पर है। इनके घरों की तलाशी तो मैं सबके सामने करवाऊंगा। जब पुलिस आएगी ना तो इनके हॉलक में डंडा डाल के सब उगलवा लेगी, तब इनको पता चलेगा कि किसी के घर में तोक छोंक करने और चोरी करने का क्या अंजाम होता है। चिंकी, चिंकी ये लोग तो पुलिस में जाने की बात कर रहे हैं। ओह गॉड, क्यों अब क्यों होश उड़ गए? और करो एंजॉय, और मनाओ लोगों को बेवकूफ, और करो धिंगा मस्ती। अब कल सुबह जब पुलिस आएगी ना तब तुम लोगों को पता चलेगा। नीलू अभी ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। नोप, ना तुम लोगों के साथ मैं पहले थी ना अब हूँ, लेकिन हाँ तुम लोगों के साथ रहने की जो सजा भुगतनी पड़ेगी वो सजा मैं भुगतूंगी। What? मैं सजा नहीं भुगतूंगी? मुझे तो पुलिस वालों के नाम से ही बहुत डर लगता है, सुना है वो बहुत मारते हैं और उनके डंडे भी बहुत मोटे मोटे होते हैं। नो,
मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि जो कुछ किया इस पारो की बच्ची ने किया है। फांसी पे लटका दो इसे, लेकिन हम तीनों को छोड़ दो। हाँ, और फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे गाल पे मत मारना। गाल पे मारा तो मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? बस बहुत हो गया, बंद कर अपना नाटक। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, भूल हो गई है मुझसे, पर मुझे कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। और अगर कल सुबह पुलिस आई तो मैं तुम तीनों पे आंच नहीं आने दूंगी। मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगी। पागल है क्या? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तेरे साथ हूँ। पारो, तू फिकर मत कर, हम राजा सल्लू बल्ली और रॉकी के साथ मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम मौसी और बाकी भैया की भी मदद लेंगे। और हाँ, हम बोमिकेश दादा को जाकर सब कुछ सच सच बता देंगे और अपने किए की माफी मांगेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें माफ कर देंगे। पारो, तू टेंशन मत ले, सो जा, जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सॉरी दादा, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमने जो किया है वो हमारी भूल थी। हम आपका पैसा वापस करना चाहते हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। हमने जो आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी है उसके लिए भी आपसे माफी चाहते हैं। आपके और हमारे बीच ये रिश्ता बना रहे इसलिए हम आपका पैसा लेकर मड आइलैंड के किले पर आ रहे हैं। आप ये बात किसी से मत कहिएगा, वरना बहुत बदनामी होगी। हम आपका मड आइलैंड के किले पर 10 बजे इंतजार करेंगे। अरे पहुंचा ली, पहुंचा ली, पहुंचा ली। इधर हूं मैं। ये देखो, सुना तुमने? हाँ, मैंने सब सुना। देखो 10 बजने वाले हैं, तुम जल्दी से जाओ और उनसे पैसा लेकर पंकज को देके ही आना, और उस मनहूस पैसे को घर मत लेके आना। जल्दी जाओ। मैं यूं गया, यूं आया। ठीक है, जाओ। जाओ जाओ काली माँ। पता नहीं कहाँ रह गए हैं। 2 घंटे बोलकर गए थे लेकिन रात हो गई है। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। पता नहीं किस मुसीबत में होंगे। ना जाने किस मनहूस घड़ी में हमने ये पंकज जैन के पैसे रखे थे। क्या करूं, क्या करूं? अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका है। रात के 12 बज चुके हैं और इनका कुछ पता नहीं है। क्या करूं, क्या करूं? मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मुझे मौसी से मिलना चाहिए। ए सोने देवे, अबे कौन है यार? भाई, भाई, भाई। अबे कौन है बे? मेरे दिमाग में कोई हथौड़ा बजा रहा है भाई। अबे तेरे दिमाग में कोई हथौड़ा नहीं बजा रहा है बंटा, दरवाजे पे बज रहा है घंटा, जाके खोल। भाई, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है भाई, किधर हो आप भाई? अबे संभाल के, अरे चश्मा उतारेगा तो दिखेगा ना रे, जाके दरवाजा खोल। आप जीनियस है भाई, मानना पड़ेगा। कौन है भाई? एक मिनट आया। अबे कौन है साला, सोने नहीं देता, कौन है? मौसी है। अभी आप इस वक्त? बस यूं ही, मौसी से मिलना बहुत जरूरी काम है भाई। हाँ। भाई, इमरजेंसी।
पांचाली भाभी आई है, मौसी से मिलना है। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठे बैठिए आप। नहीं ठीक है। क्या बात है पंचाली, इतनी रात गए? देखो ना मौसी, इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं आए। अरे आ जाएगा, परेशान काय को होती है, हैं? वो कोई बच्चा थोड़ी है जो खो गया है। परेशानी की तो बात है ही मौसी, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ मैं। आज फिर झगड़ा कर लिया क्या तुम दोनों ने? नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हो गया? मौसी वो बात ऐसी है कि मेरी नाक के नीचे इतने दिनों से ये सब चल रहा है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ये काम किसी चाल वाले का नहीं हो सकता, ये तो किसी बाहर वाले आदमी का काम है, क्योंकि चाल वालों में इतनी हिम्मत नहीं है। कुछ तो करना होगा मौसी, जल्दी करो ना प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। और देख, इन आरामियों से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। सुंदर जी, बांके को फोन लगा, आधे घंटे में पुलिस स्टेशन के बाहर मिले। जी ताई। सलाम साहब। विनोद। यस सर। पता करो व्योमिकेश कहाँ रहता है इधर। जी सर। आइए साहब आइए ना, मैं बताता है, आइए। कौन है तुम? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा खास आदमी है, आपकी मदद करेगा। मैं अपना काम जानता हूँ मैडम। मैंने तो आपकी सहूलियत के लिए कहा था, वैसे आपकी मर्जी, रूम नंबर 7 ऊपर है, आप जाके मिल सकते हैं। थैंक यू मैडम। चलो आइए साहब। तुम रुकना ही। ओके सर। ये है साहब भूमिकेश दादा का घर। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। कब से गायब है आपके पति? जी कल, कल सुबह से। कहाँ गए थे? जी मड आइलैंड। मड आइलैंड क्यों? जी वो बात ऐसी है कि हमें रोज तरह तरह के लेटर्स आते थे। सब वो लेटर्स हैं जो हमें रोज मिलते थे, और ये लेटर हमें कल मिला, और इसी को पढ़ने के बाद मेरे पति मर्डर चले गए। अच्छा देखिए प्लीज, आप रोइए मत, मैं आपके पति को जल्दी ढूंढने की कोशिश करूंगा। भगवान के बाद सिर्फ आप ही पर भरोसा है। आप चिंता मत कीजिए, धीरज रखिए। शुक्रिया। नमस्ते। सर्किट क्यों बोलते तेरे को? वो साहब मुन्ना भाई देखा था अपन। कितने बार देखा मुन्ना भाई? पार्ट 1 और 2 मिला के 24 बार। कमाल है यार। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है इंस्पेक्टर आप ये केस जल्दी सुलझा देंगे। मेरा नाम है करण पांडे, लोग मुझे करु पांडे के नाम से जानते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं जो भी केस हाथ में लेता हूँ उसे पूरा करता हूँ। शुक्रिया। मुझे लक्ष्मी ताई कहते हैं। थैंक यू लक्ष्मी ताई। हाँ
हाँ सल्लू बोल। चन्नू कहाँ है तू? मैं सिनेविस्टर ऑडिशन के लिए आई थी, क्यों क्या हुआ? अरे गजब हो गया गजब, कल रात से भूमिकेश दादा लापता है, लक्ष्मी ताई और पांचाली भाभी ने भी पुलिस में कम्प्लेन कर दी है। What? हाँ, अरे इंस्पेक्टर करू पांडे आया था, बहुत खड़ूस आदमी है, मुझे डर लग रहा है। अरे वो केस सॉल्व करके ही छोड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? अरे कसरत और क्या। स्टूपिड एक्सरसाइज करना छोड़ो और मुझे 10 मिनट के बाद फोन करो। अच्छा लेकिन हेलो, हेलो हेलो चिंकी, शन्नू बोल रही हूँ। हाँ बोल शन्नू। अरे सल्लू का भी फोन आया था और वो बता रहा था कि व्हाइट हाउस में पुलिस आई थी। क्या? हाँ मुझे क्या मालूम यार, ये देख पूछ क्या हुआ। क्या हुआ? अरे ऐसी क्या आफत आ गई थी यार। अरे ये प्यारी ऐसी चीज है, कमबख्त एक बार हो जाए ना तो दूर ही नहीं रह जाता, ठीक कहा ना मैंने? ऐसी बात नहीं है सल्लू। सल्लू प्यार व्यार की बातें छोड़ और प्लीज इन्हें बताओ कि यहाँ क्यों बुलाया गया है। गाइस हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अरे ये क्या हो गया यार, कम से कम पहले बात तो सुन ले, क्या कह रहे हैं? सॉरी कैसी मुसीबत बता चिंकी। हम लोगों से ऐसी गलती अनजाने में या फिर यूं कहिए कि जानबूझकर हो गई है, इस मुसीबत से बच पाना शायद नामुमकिन है। चिंकी जो कहना है साफ साफ कहो। मैं बताती हूँ, एक्चुअली ये सब मेरे वजह से हुआ है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। ये मामला बहुत सीरियस है भाई, इसका कुछ होना नहीं है। लेकिन यार हम ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते ना इन्हें, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। मेरे पास एक रास्ता है। क्या? क्यों ना हम जाके पुलिस को सब कुछ सच सच बता। अरे नहीं यार, नहीं यार, सबूत मांगती है पुलिस, बात कर रहा है। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक लड़कियां मेरे घर में अंडरग्राउंड रहेंगी। तुम लोग व्हाइट हाउस चले जाओ और इंस्पेक्टर करण पर कड़ी नजर रखना, और जो भी इंफॉर्मेशन हो हम तक पहुंचाना। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। या मेरे ख्याल से अभी हमें चलना चाहिए, वरना वहां के लोगों को हम पर शक हो जाएगा। और बाकी वहां अगर कुछ भी नया होता है तो हम लोग फोन पे आपस में बात कर लेंगे। ओके ओके, टेक केयर बेबी, बाय बाय, गुड नाइट। ओके बाय। आइए इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार, भूमिकेश दादा का कुछ पता चला? ब्योमकेश के बारे में तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन बाकी और बहुत कुछ मालूम पड़ा है। अच्छा मैं मिस्टर ब्योमकेश से मिल सकता हूँ 2 मिनट? हाँ जरूर। बंटा इंस्पेक्टर साहब को ऊपर ले जा। आप रुके मैं आती हूँ। थैंक यू। नमस्ते। पंचाली जी इस रुमाल को पहचानती हैं आप? हाँ हाँ, ये उन्हीं का है। चश्मा? जी ये भी उन्हीं का है। और झाड़ी में फंसी हुई धोती का टुकड़ा? हाँ, मेरे हाँ ये उन्हीं का है। लेकिन ये सब मौसी, ये सब आपको, ये इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए ये सब हमें मड आइलैंड फोर्ट से मिला है, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्योमकेश जी का कोई सुराग नहीं मिला हमें अभी तक। हाँ। आपको जो भी कहना साफ साफ कहिए ना मौसी। ये कुछ बोलती क्यों नहीं मौसी? मौसी इनको बोलो ना कुछ बोलने के लिए, प्लीज बोलिए ना। क्या हुआ? प्लीज बोलिए ना, क्या हुआ? प्लीज बताइए ना उनको क्या हुआ, बताइए ना प्लीज। देखिए मैं भाभी संभाल रही हूं आपको। ए बेटा उठाए ने भाभी। हां उठिए, उठ आराम से, आराम से ध्यान से। भाई इधर साइड में बिठाते हैं। शाबाश। पानी पिलाते हैं। वहाँ कोई पानी लेके आओ। मैं
मैं समझ सकता हूँ कि इनके दिल पर क्या गुजरी होगी, और ये सामान देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ब्योमिकेश जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर कानून इस बात को नहीं मानता, मालूम है क्यों? क्योंकि हमें अभी तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। फॉर अस ब्योमिकेश इज नॉट डेड। एनीवे होनी को कौन टाल सकता है। अब देखिए जो भी होगा सबके सामने आ जाएगा। अच्छा मैं ब्योमिकेश जी का रूम देख सकता हूँ? जी जरूर बंटा, इंस्पेक्टर साहब को ले जाओ ऊपर। जी ताई, आइए साहब। हाँ खालिद, इसको संभाल कर रखो। जी आइए साहब, आइए साहब आइए। तुम ये रुको, तुम चलो अंदर। जी सर। अरे यहाँ कुछ नहीं मिला। ना कोई सबूत, ना कोई सुराग जिससे मुजरिम तक पहुंचा जा सके। सर सुराग कोई ना कोई इस कमरे में जरूर है, क्योंकि पांचाली का बयान और लेटर्स तो यही बयान करते हैं। ओए सर्किट, यहाँ आसपास कोई लड़की रहती है? लड़की नहीं साहब, लड़कियाँ बोले तो चार चार, ये बाजू वाले रूम में साहब। पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लड़कियाँ कहाँ हैं? वो साहब उनके काम का टाइम है अभी। साहब वो लड़कियाँ कल सुबह से गई हैं, अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। आपकी तारीफ। हसमुख। ये हसमुख है साहब, ये भी इसी चौल में रहता है। अभी क्या है साहब, इसको हर घर में झांकने का आदत है, इसलिए सबके बारे में यही ज्यादा जानता है। वेरी इंटरेस्टिंग। विनोद ध्यान रखना इसका, ये आदमी कभी काम आएगा अपने। अच्छा ये यहाँ कौन रहता है बगल में? यहाँ साहब, यहाँ चंपत संपत नाम के दो आदमी रहते हैं साहब। बुलाना उनको। जी साहब। ए चंपत संपत, तुम बोले लड़कियाँ जॉब करती हैं? अरे उनसे गाय पूछ रहे हैं, हमसे पूछिए। चलो। क्या भाई गजोदर बाबू, कहाँ रहते हो यार? अरे वो उधर थोड़ा काम था। गजब हो यार तुम तो, कमाल करते हो, मूंछ ऊंच भी टेढ़ी है तुम्हारी। हाँ बोलो। हाँ जी सर नमस्ते। क्या बोल रहे थे तुम? सर इन चारों लड़कियों को मैंने यहाँ मकान दिलवाया है। मकान की बात छोड़ो, काम क्या करती है? सर एक लड़की तो रेडियो में कुछ बोलती है। रेडियो जॉकी है, नीलोफर है, और एक लड़की है जो कॉल सेंटर में, क्या नाम रे? चित्रंजना। चित्रंजना। बाकी एक लड़की है जो हेयर इम्प्रूवमेंट ऑयल कंपनी में कुछ, क्या नाम? बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम इसी तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे तो ये मामला सुलझने के बजाय उल्टा और उलझ जाएगा। और गाइस मुझे नहीं लगता ये मामला सुलझने वाला है, ये ठंडा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो इंस्पेक्टर करण बहुत ही तेज है, वो केस की तहत तक पहुंचकर ही सांस लेगा। एक बात सुन लो, मैं कल ही अपने वकील से बात करूंगा और वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, पर तब तक तुम तीनों का यहां बार बार आना सही नहीं होगा। कमान यार रॉकी, ये कैसी बात कर रहा है तू? सही कह रहा हूं राजा, अरे इंस्पेक्टर करण अब तक जान चुका होगा कि इन लोगों के बॉयफ्रेंड्स हम लोग हैं, और तुम्हारे जरिए वो हम तक कैसे भी पहुंच सकता है? वो डायरेक्ट तो मुझ पर हाथ डालेगा नहीं, तो सही यही होगा कि तुम व्हाइट हाउस चले जाओ और हर मामले पर कड़ी नजर रखना। गाइज इट्स रियली लेट, आई थिंक यू ऑल शुड गो होम नाउ। यू आर राइट, लेट्स गो बल्ली। ओके बाय, यू टेक केयर। बाय, टेक केयर, आई लव यू। बाय बाय बाय। गाइज वन मोर थिंग, गर्ल्स के सेल पर बिल्कुल फोन मत करना, कोई जरूरी बात हो तो मुझे फोन करना, हो सकता है पुलिस तुम्हारे कॉल ट्रेस कर रही हो। या विल टेक केयर, लेट्स गो गाइस, गुड नाइट। कितना हुआ? 25 रुपए। ये लो।
आप दोनों देखिए। और सर मैं सर तेल की कंपनी में काम करता हूँ सर, उगजा सिम सिम। सर हमारे तेल की गारंटी है सर कि अगर किसी भी उम्र में आपके बाल उड़ जाते हैं तो वापस बाल उग जाएंगे। सर मैं आपको एक बोतल जरूर दूंगा। शुड आई गिव यू माय कार्ड सर? शट अप। सर मैं फ्यूचर का सुपरस्टार सलमान बेग, ऋतिक रोशन की तरह, ये देखिए। एक पल का जीना फिर तो है जाना, एक पल का जीना, एक पल, ए लाइन क्या है? यही एक पल का जीना फिर तो हराम खोरो गए। करण पांडे को तेल बेच रहे हो तुम लोग हैं? और ये क्या है यो यो? ये क्या है यो यो? क्या होता है? क्या होता है यो यो? नो यो यो, नो यो। और तू ऋतिक रोशन बनेगा? चल मैं बनाता हूँ तेरे को ऋतिक रोशन। नहीं नहीं नहीं, विनोद तीनों को डाल जीप में, उल्टा टांग देना सालों को, जब अलग में हाथ डाल लूंगा सब उगल देंगे। चलो चल गाड़ी, यो यो कर रहे हैं, यो यो। मैं दिखाता हूँ इनको यो यो क्या होता है ये यो। अभी बताता हूँ कहूँ ना प्यार है, दिखवा दूंगा सारा तेल तुम लोगों का। चलो हेलो। हेलो नीलू जी, हम गजोदर भेलपुरी वाले बोल रहे हैं। हाँ बोलो गजोदर। इंस्पेक्टर करु पांडे राजा सल्लू और बल्ली को पकड़ के ले गए। क्या? हाँ बहुत गुस्से में थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। जी हम फोन रखते हैं। थैंक यू गजोदर। गर्ल्स आग फाड़ के क्या देख रहा है सर? वो क्या है कि हट। हाँ तो बता लड़कियां कहाँ हैं? देखो अभी भी बता दो, वक्त है कि लड़कियां कहाँ हैं, वरना बाद में मैं तुम लोगों की वो हालत करूंगा कि बताने लायक नहीं रहोगे कि लड़कियां कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि ये जुबान बोलने लायक रहेगी नहीं। अंकिल जी। हाँ बेटा। आपको जितना फोड़ना है फोड़ लो, लेकिन जब हम मासूमों को कुछ मालूम ही नहीं तो बताएंगे क्या? रामखोर अंकल किसको बोला? देखिए सर आप निकाल लीजिए अपने दिल की सारी भड़ास, लेकिन सर आप हमारा मुंह नहीं खुलवा पाएंगे। ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, समझा? हमारी मार के आगे गूंगा भी तोते की तरह पटर 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 जुबान खोने लगता है। हा? तुम्हारी क्या औकात है? औकात की बात मत कर। उसे तो तुमने पहले ही मिट्टी में मिला दिया। मारो जितना मारना है, पर एक ग्लास पानी तो पिला दो। विनोद। यस सर। इन तीनों कल तक भूखा प्यासा रखो, तब अकल ठिकाने आएगी, अपने आप बताएंगे ये सब। फिर मुझे बताना क्या बात हुई। बैठो और थोड़ी सेवा पानी भी कर देना इनकी। जी सर। बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतारनी पड़ेगी। बाकी भैया दरवाजा खोलिए। कौन है बे? अरे हमने दरवाजा खोलिए आप। क्या यार भाई हम रात पर। हाँ अभी तुम आ गए तो हमारा काम कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन सर आप पूछना क्या चाहते हैं? उन लड़कियों के बारे में। मुझे शक है कि उसके भूमिकेश के मिसिंग में इनका हाथ है, शायद उसका मर्डर भी इन्होंने किया हो। सर किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो बेचारी इतनी अच्छी लड़कियां हैं, किसी का मर्डर करना मतलब, आप सर समझ रहे हैं? और सर बिना सबूत के आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि? हाँ सबूत है मेरे पास, ये लेटर्स, इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि पैसा है हमारे पास। अच्छा बाय द वे तुम्हारा क्या रिश्ता है इनके साथ? इंसानियत का। तो ठीक है, इंसानियत के नाते पूछो इनसे कि वो लड़कियां कहाँ हैं, या फिर लड़कियों को कहो कि मुझे आकर मिले। सर देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ लड़कियों को लाकर मैं आपके सामने खड़ा करूंगा, लेकिन इन लड़कों को छोड़ दो सर। देखिए मैं एक बार आपको बता चुका हूँ कि जब तक मुझे वो लड़कियाँ नहीं मिल जाती मैं किसी भी कीमत पर इनको नहीं छोड़ सकता। अब इनकी और आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। सर इन लड़कों को लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ठीक है, इनके साथ साथ मैं तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। गलत सोच रहे हैं आप इंस्पेक्टर।
बंद नहीं, छोड़ना पड़ेगा चारों को। प्रणाम। छोड़ना पड़ेगा आपको इन्हें, मेरे पास जमानत के कागजात हैं। वकील साहब दिखाइए इन्हें। दे दो भाई। देखिए ये। देखिए गया तेल लेने। मेरी पहुंच ऊपर तक है, पर मैं कानूनी काम कानूनी तरीके से करती हूँ। छोड़िए मेरे क्लाइंट को। विनोद छोड़ दो तीनों को। ओके सर। पर मैडम आप एक बात याद रखिए, इनको आप बहुत दिन बाहर नहीं रख पाएंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द उन लड़कियों के साथ इनको भी लॉकअप में डाल दूंगा। तब की तब देखेंगे इंस्पेक्टर। बाके चलो। जी मुझे। आओ बच्चों। नमस्कार। नमस्कार। तो ये बात है, देखो बच्चों, मेरी बात का बुरा मत मानना, गलती तो तुम लोगों ने की है, पर सच्चाई ये भी है बाकी की ये लोग निर्दोष हैं। पर मेरे और तुम्हारे कहने से तो नहीं चलेगा ना, पुलिस को सबूत चाहिए और सबूत तुम्हारे पास है नहीं। पुलिस के पास जो सबूत है वो तुम लोगों के खिलाफ है। ऐसे में क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। मौसी आप केवल मुझे एक दिन की मोहलत दिलवा दीजिए पुलिस से और मैं सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। अरे भाई लेकिन कैसे? मैं ये बात इंस्पेक्टर को बताऊंगी और उससे कहूंगी कि मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे दे। हाँ पारो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी हैं साथ में, क्यों मौसी? तो ठीक है बाके, तू मेरे लेके पुलिस स्टेशन जाओ, मैं जरा व्हाइट हाउस जा रही हूँ, वो भूमि केस का चौथा है ना, वहाँ मेरा होना जरूरी है, कोई परेशानी हो तो फोन कर देना। ठीक है मौसी, हम आपसे बाद में आकर मिलते हैं। प्रणाम। ठीक है। बाकी कुछ भी बोलो भाई, हमारे ब्योमकेश दादा ये एकदम भले आदमी थे। अरे कहाँ रह गई थी, एवरी पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। पांचाली रो रही है। चुप हो जाओ पांचाली, चुप हो जाओ, भगवान की यही मर्जी थी, इसके आगे कोई क्या कर सकता है। चुप हो जाओ। चुप हो जा पंचाली, होनी को कौन टाल सकता है, जो होना था हो गया, चुप हो जा। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो मौसी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। मौसी मैं नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। अरे दादा आगे। हाँ? दादा आगे। कहाँ चले गए थे तुम, क्या हो गया तुम्हें, ये क्या हाल बनाया तुमने, बोलते क्यों नहीं हो? जिंदा हूँ यही बात है, वरना तो उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। मैं जब मुआ डाले इन पहुंचा, यहां तो कोई नहीं दिख रहा, कहीं और तो नहीं बुलाया था उसने, जगह तो यही थी। क्या हो रहा है? उड़ी बाबा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? आपका इंतजार। मेरा शौक ठीक निकला, तुम लोगों ने मेरा पैसा चुराया। क्या बात है, क्या बात है, आप तो जीनियस हो। जीनियस। मैं तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, पुलिस के हवाले करेगा। यहाँ से वापस जाओगे तब ना? क्या कर लोगे, हमको मार डालोगे? हंस लो हंस लो, लेकिन जो लेटर तुमने लिखा है ना, उसके जरिए पुलिस तुम तक पहुँच जाएगी। तुम पर तरस आता है। अरे बेवकूफ, वो लेटर हमने नहीं लिखा था। क्या, तुम्हें किसने लिखा? आपके पड़ोसन ने। हाँ। उन चार लड़कियों ने, उन्होंने तो मजाक किया था, और वही मजाक उनके गले में फांसी का फंदा बनकर लटक जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता,
वो क्यों ऐसा करने लगी? आपको सुधारने के लिए, और इसमें हो गया हमारा फायदा। उसने तो कुछ खेल कुछ मस्ती की और उस खेल ने हमें बना दिया करोड़पति। मैं तुम्हारे अरमान कभी पूरे नहीं होने देगा, पुलिस को बुलाएगा। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मुझे ऊपर से फेंका तो मैं ट्रक पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं दिल्ली के फुटपाथ पर पड़ा होता। फिर मैं एक रिक्शे वाले को बोला कि मुझे व्हाइट हाउस ले चलो। तो उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और पागल समझकर बोला, व्हाइट हाउस ऑटो रिक्शा से नहीं प्लेन से जाते हैं, और हौस कर चौल आ गया। कुछ बच्चों ने मुझे पागल समझकर मुझे पत्थर मारे, कुछ लोगों ने मुझे भिखारी समझकर मुझे भीख भी दे दी। मैं जानता है कैसे 5 दिन भीख मांग मांग कर यहाँ पहुंचे। काली माँ की कृपा से यहाँ पहुंच गए मैं। आप सब ठीक हो जाएगा। हे बंटा। जी दाई। जाकर देख कमीने संपत चंपत कहाँ है, चल ढूंढ उन्हें। जी। अरे भूमिकेश, वो दोनों क्यों भाग रहे हैं हड़बड़ी में यार? और यार ये क्या हो रहा है, सब लोग सफेद कपड़ों में, और तेरा हाल क्या है, फटी कमीज की तरह? सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब तेरी वजह से हुआ। सब तुम्हारी वजह से। सब तेरी वजह से हुआ। ना तू हमारे यहाँ रुपया रोकता, ना हम इस मुसीबत में पहुँचते, और ना ये सब ड्रामा होता। अरे ये सब बातें छोड़ो, ये बातें छोड़ो। अरे वो चंपत संपत 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उन्हें पकड़ने की सोचो। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, भागो के पीछे। अरे थला क्या तू? अरे कोई बम बम फट गया क्या? अरे कुछ बम बम नहीं फटा है। वो तुला महतना है, बॉम्बे की सदा जिंदा है क्या? अरे साफ साफ बताओ हमको कुछ समझ। कैसे सोच रहे? 1 करोड़ का मामला है, चंपा संपत 1 करोड़ लेके भाग गए। अबे ये तो उतरे ला है। अरे भाग भी ले ले। ए सुंदर बच्चा चलो इधर। जी भाई। अबे अंधा है क्या? के नाम पे दे दे माई। अरे 1 करोड़ मिलने तो दे। मिला नहीं तो खरी आ गया। 35 स्टेट में से 25 स्टेट की पुलिस जी डॉन को ढूंढ रही, लेकिन आज तक कोई उस तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मुझ तक पहुंचे, मुझे गिरफ्तार करें, क्योंकि मैं पॉपुलर होना चाहता हूं। बच्चे बच्चे की जबान पर जी डॉन का नाम हो, हर टीवी हर अखबार में मेरा इंटरव्यू हो, हर गली के पोस्टर लगे, और इनाम की रकम हो पूरे 50 लाख। इनाम की रकम हो पूरे 50 लाख। 50 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़, वो भी कैश। वेरी गुड, आई एम इंप्रेस।
थोड़ी सी गलती हो गई जी डॉन। हाँ ए, सुन, गलती छोटी हो या बड़ी, गलती गलती होती है, लेकिन उस गलती की सजा हम तब मुकर्रर करेंगे जब हमें पता चलेगा कि गलती क्या है। डॉन जी, हमने अपना काम बखूबी निभाया, पूरे 1 करोड़ लेकर आए हैं, और इस 1 करोड़ के चक्कर में पूरी की पूरी चौल हमारे पीछे आ रही है और कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच जाएगी। हाँ, मुबारक हो जी डॉन, भगवान ने आपकी सुन ली, अब कुछ ही पलों में आप पॉपुलर होने वाले हैं। बस जब इतने सारे लोग एक साथ इधर आएंगे तो आप तो अपने आप ही फेमस हो जाएंगे। God is great. चंपत और संपत, तुम दोनों ने कोई गलती नहीं की, बल्कि मेरा दिल जीत लिया है। मेरा बरसों का सपना तुम दोनों की वजह से पूरा हुआ है। तुम सजा के नहीं, इनाम के हकदार हो। अबे ओ, पैसा उनका नहीं है, हमारा हमारा मतलब हमारा। डॉन के दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया, इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन पैसों का नहीं। ढूंढ डालो इसे। बॉस, बंदूक तो है नहीं हमारे पास। तो तोड़ डालो इसे। पुलिस तो आ गई, चैनल वाले कहाँ है बॉस? चैनल वाले भी आए हैं बेटा, तुम्हारे स्वागत की तैयारी में लगे हैं पुलिस स्टेशन में। आओ। 1 मिनट साथियों, अपना मिशन पूरा। नमस्ते नमस्ते यार, चलिए। अरे भूमिके, ये क्या हो रहा है यार? खिजड़े के घर में लौंडा हो रहा है। अरे मेरा 1 करोड़ भाई, 1 करोड़ हो चुका हूँ मैं। हाँ, हेलो मौसी, इतना घल्लू घेरा फैलाने के बाद ये आया सामान हाथ में, थामो, और ये रहा मेरा सामान। पंकज जी, ये आपकी अमानत संभालिए। नहीं मौसी, इसमें से 50 लाख मैं सरकार को दूंगा, इनकम टैक्स दूंगा, और 50 लाख आपकी अमानत है। आप सबकी अमानत है, आपके सारे व्हाइट हाउस की अमानत है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको आपस में। देखा आपने, सारा टाइम तौकली बुढ़ाया मैं और फायदा हुआ इन 100 आपको। लेकिन आप परेशान नहीं होना, अगली बार आपका भी फायदा करूंगा नई पॉलिसी के साथ, आप सबका बीमा कराऊंगा। तुम्हारा भी।